योगदान दिया है। इसी श्रेणी में बलराम कुमार जी शर्मा जम्मू से आपने 31,000 रूपये एक दिन की संपूर्ण रसों की बावन सेवा के लिए दिए हैं। एक दिन की संपूर्ण सेवा आपने की है, हजारों लोगों को प्रसाद पवाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिबाबू श्रीवास्तव आप ग्वालियर से 25,000 रूपये देते हैं, गोदान की बावन सेवा से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। शशि गोयल जी आप दिल्ली से माओ की सेवा के लिए 21,000 रूपये देते हैं, एक माँ का आजीवन सहार आप बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी जुगल किशोर जी चौधरी नागपुर से आप 21,000 रूपये देते हो, एक माँ का जीवन सहारा बने। रजत रावत जी देहरादून से 11,000 रूपये देते हुए एक दिन की संपूर्ण संघ सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मारवी अमोल जी आप तिघोली अपने बेटे के नाम से आप पुणे से 11,000 रूपये, श्रीमती कुति देवी श्रीवासा औसीपुरी से 11,000 रूपये, माधुरी महुबा से आप 11,000 रूपये, रीना अग्रवाल जी 11,000 रूपये, संदीप कुमार जी 11,000 रूपये, मनी कुमार जी गुड़गांव से 11,000 रूपये, साथ ही सकुंतला जी चड्डा आप दिल्ली से 11,000 रूपये, भाभिया जी निगम जी के नाम से लखनऊ से 11,000 रूपये, प्रभारानी सिंह आप दिल्ली से 5,100 रूपये, शैलेंद्र सिंह जी राकेश जी वैशाली बिहार से 5,101 रूपये, तृप्ति प्रसाद जी उड़ीसा से गौसी बगली 5,100 रूपये आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में यशोदा कुमारी जी बंगाल से आप 5,000 रूपये, निर्मला जी कटिहार कन्नौज से, विजय कंचन जी बालिया, रामनीरज जी बालिया आप बीर बालिया जी उत्तराखंड से, विजय से 3,500 रूपये, श्रीधर सिंह जी आप रीवा से, कृपा राम जी आप हरियाणा से, जलवती देवी आप पलवल से, विजय से सरोजी गुप्ता बोरिया से 2,100 रूपये, श्रीमती पार्वती देवी बंसल आप सिरसा से 5,000 रूपये का योगदान दे रहे हैं। आनंद कृष्णा देवघर से विजय से, प्रभा सिंह जी भोपाल से, विजय स्वर्गीय धर्मचंद जी भैचले के नाम से, उनकी स्मृति में ताराबाई जी के द्वारा होशंगाबाद से 3,001 रूपये, अशोक कुमारी पंचकुला से विजय से, रामपाल जी हरियाणा से विजय से, सीता देवी पंचकुला से विजय से, संतोष जी बरनवाल सिवान बिहार से विजय से, यशोदा जी छत्तीसगढ़ से विजय से, के हाथ आगे बढ़ा रही आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बिहार से विजय से, सरस्वती बाई जी दुर्ग बिहार से 11,000 रूपये, क्षेत्रीय बावसी बागली सुकिन बाई जी कोरबा से विजय से, नरेश कुमार जी कांगड़ा से, मिंटू रमेश सिंह जी अनंत जी बरुआ जी असम से विजय से, के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं 2,000 रूपये। ऊषा ओम प्रकाश जी भाटिया आप दान कर रहे हैं, रेखा देवी जी दिल्ली से आप 21,000, स्वर्णा देवी आप कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से विजय से, अरुण जी बरुआ असम से विजय से, विजय जी गुप्ता नोएडा से विजय से, कल्याणी ठाकुर दरभंगा बिहार से 2,000 रूपये, रेवती देवी कमर बिहार से 2,100 रूपये आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में तरुण सिंह जी आप शिमला से, आप विजय से, सरोजी देवी आप रायसा से, सुमन जी महोबा से, मनवाणी जानकी बहन जी रमेश कुमारी गुजरात से, श्यामा कुमारी हिमाचल प्रदेश से आप 21 रूपये, आशा देवी पटना बिहार से, नरेश जी कामता मुंबई से, प्रज्ञा पाल जी लखीमपुर खीरी से आप 21 रूपये, नवल किशोर जी पूजन जी उत्तर प्रदेश से विजय से, मीरा महेश चंद जी आप 3,000 रूपये, तरुण सिंह जी हरियाणा से विजय से, युवराज कुमार जी साहू आप छत्तीसगढ़ से, सोना देवी जी लालबाबू प्रसाद जी सोनी की स्मृति में विजय से, कन्हैया शर्मा जी आप कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जमादार जी राजेंद्र सिंह जी आप लोकसिंह जी सुनंदा भाई जी महाराज से विजय से, नग नारायण राय जी पश्चिम बंगाल से, धीरज कुमारी पांडे रायपुर से, हनुमान प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से विजय से, के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में नरेश एम कामत मुंबई से, ईश्वर सिंह जी आप उदयपुर राजस्थान से, मोनी देवी मधुबनी बिहार से विजय से, पी का चंद्र अनिता देवी साझापुर से उत्तर प्रदेश से 2,100 रूपये, माधुरी मिश्रा अपने पति की पुण्य स्मृति में राजस्थान से, गायत्री भावसर आप इंदौर से, राजेंद्र सिंह जी आप सामंत माधवी देवी सामंत आप उत्तराखंड से विजय से, हनुमान प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से, नीरज जी आजमगढ़ से आप 2,001 रूपये, यमुनता जी युवराज कुमार साहू जी विजय से, रमाकांत सिंह जी आप तोमर लखनऊ से विजय से, के हाथ बुला रहे हैं। रमेश कुमार जी बिलासपुर से आप 21 रूपये, अंकित कुमार जी पांडे उपेंद्र पांडे सरदा देवी गोपालगंज बिहार से विजय से, बलवंत सिंह जी आप जम्मू कश्मीर से, मंजू भवानी हनुमानगढ़ राजस्थान से विजय सेव के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में श्री अर्जुन लाल जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से 2,100 रूपये, अनुक्षेत्र बांसुवक से भीमराज जी बदलापुर से विजय से, जयंत कुमार सिंह जी मधुबनी बिहार से, अंकित जी कुमार पांडे गोपालगंज बिहार से, समीर जसरोटिया महेंद्र यादव जी मुंबई से, गायत्री भवसार आप इंदौर से, दीपक ओम प्रकाश जी अहमदाबाद गुजरात से, प्रभावती बाई जी संगला जी इंदौर से, वंदना संतोष जी नैतिक संतोष जी आप झारखंड से विजय से, के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा दो, इन सेवाओं से जोड़ा है, पुण्य लाभ अर्जित किया है, ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, साथ ही जो लोग घर बैठे इन पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, दानवीर महापुरुषों के आपने नाम सुने, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आइए इन पावन सेवाओं से जुड़ करके सर्वदम माओं की सेवा से जोड़ेंगे और माओं का आजीवन सहारा बनेंगे, वो भी मात्र 21,000 रूपये के छोटे से योगदान से, एक माँ का सहारा बनते हैं। इसी के साथ में आप इन माओं की भोजन प्रसादी अपने हाथों से कर सकते हैं, साथ ही यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की बावन सी बगली है, आप मात्र 11,000 रूपये का सुंदर सा छोटो सा योगदान देते हुए एक दिन की संपूर्ण सेवा इन संतों की अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में इन संतों के साथ में आप 100 संतों के लिए, 50 संतों के लिए, 10 संत अथवा किसी एक संत के लिए भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में
सुबह से लेकर रात्रि तक चलने वाली गौरी गोपाल रसों की बावन सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक लगभग हजारों लोग प्रसादी पाकर के जाते हैं, क्यों ना एक दिन की सेवा आप भी अपने हाथों से करें और हजारों लोगों को अपने नाम से, अपने बच्चे, अपने पूर्वजों के नाम से भोजन प्रसादी भवाएं। मात्र 31,000 रूपए के छोटे से योगदान से एक दिन की संपूर्ण रसों की बावन सेवा का कार्यभार लेते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ में संत निवास कार्य के लिए भूमिदान कर सकते हैं। गौ माता की बावन सेवा से जुड़कर गौदान अथवा गौचरण भूमि के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ चल रहे नव निर्मित कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए, माओ के लिए जो आश्रय स्थल बन रहा है, अगर आप सामर्थ्यवान है तो उसके लिए एक कमरा मात्र 5 लाख रुपए के योगदान से अथवा किसी एक कमरे की छत के लिए मात्र 51,000 रुपए आप दान करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में गौरी गोपाल गोरखुल पावन सेवा के लिए पिछले साल भी यहाँ निःशुल्क पाठ्यक्रम रहा, निःशुल्क 100 छात्रों को यहाँ सुंदर सी पढ़ाई से जुड़ने का सौभाग्य मिला। इस बार भी पुनः यहाँ जुलाई में पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें, गुरुकुल की पावन सेवा से भी अपने आप को जोड़ें और यहाँ पढ़ने वाले निःशुल्क छात्रों के लिए पठन पाठन की सामग्री अथवा पाठशाला के लिए आप एक कक्ष भी आप समर्पित कर सकते हैं। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है, मैं चाहूंगा आप उसी के अनुसार अपने आप को जोड़ें ताकि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें कि आपको पुण्य मिले और आपके बच्चों को आपके माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होती रहे। अब आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल में बिला के। उससे पहले एक विशेष निवेदन रहेगा मेरा आपसी के चरणों से, आप लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं ताकि और भी लोगों को बैठने के लिए जगह मिल सके। इसी के साथ में भागवत जी के सुंदर से बोधि पाठ सीधाम वृंदावन में एक बार पुनः बैठ रहे हैं और वो पाठ 12 से 18 अप्रैल बैठ रहे हैं। तो जिन्हें अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बिठाना है, शीघ्र ही सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग यहाँ है उनके लिए काउंटर यही लगा है, जो लोग घर बैठे उनके लगातार टीवी चैनल माध्यम से खाता संख्या और फोन नंबर दिखा जाएगा ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल में विला की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। हरे श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गौरी गोपालाभ्याम नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम,
जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, आरती उतारूं, मन में बिठा लूं आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए
सारा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का प्यारा कौन? भक्त। मतलब भगवान सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? भक्तों को करते हैं। तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, तो जो प्रभु आपको प्यारे हैं उन भक्तों को भी हम प्रेम करें, आपके भक्तों का भी हम सम्मान करें, भक्तों का भी हम आदर करें। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो। सब मैं निहारूं रूप में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब मैं निहारूं रूप तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो प्यार हो एतबार हो सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो एतबार हो सत्कार हो तुम्हारा। सुख भी सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं,
नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन में, हाँ यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय, जय जय श्री राधे स्वामी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी पर साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। टेलीकास्ट श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से हम सब भागवत रोज सुनते हैं, रोज ये दास अनिरुद्ध आपको टूटी फूटी वाणी से रोज आपको कथा सुनाता है और आप रोज सुनते हैं, और हजारों की संख्या में लोग वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन करने, कथा सुनने के लिए और श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने के लिए हजारों लोग नित्य आते हैं, और आप सभी आकर बिहारी जी का दर्शन करके निधिवन की पावन धरती को प्रणाम करके सेवा कुंज की पावन धरा को प्रणाम करके जब गौरी गोपाल आश्रम आते हैं तो आप यहाँ की सेवाओं का दर्शन लाभ लेते हैं, और आप जब यहाँ आते हैं तो ये दास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अच्छा लग रहा है? वृंदावन धाम आकर अच्छा लग रहा है? भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप यूं ही धाम आते रहें, जब तक आपके प्राण हैं तब तक आप वृंदावन आते जाते रहें, भगवान करे आप सदा आते रहें। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु आना जाना बना रहे, आना जाना बना रहे, आते रहो, बुढ़ापा आ जाए तो भी आते रहो, बच्चे हो तो भी आते रहो, क्योंकि एक भगवान है जो कभी बदलते नहीं है, वरना ये संसार जैसा कल था वैसा आज नहीं है और जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, इसलिए संसार को झूठा कहते हैं, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। प्रिय भक्तों, इस पावन सी कथा में आप सभी दूर दूर से आए हैं डुबकी लगाने के लिए, कल आप लोगों ने सुना कथा में धुंधकारी का चरित्र, परीक्षित जी की कथा, अभी 12 तारीख से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी, तो आप भी वृंदावन से जुड़े रहिए, इसी बहाने आते रहिए और वृंदावन में भागवत का पाठ, भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए,
चाहे तो आप भी 12 तारीख से होने वाले अष्टोत्तर से जुड़ सकते हैं, भागवत जी के पाठ से जुड़ सकते हैं, भागवत से जुड़ सकते हैं। आप भी यजमान बनकर भागवत जी का पाठ करा सकते हैं अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए। इस कथा में परीक्षित बनके श्रीमती लीला देवी असवाल नई दिल्ली नेहरू नगर से आप आए हैं। आपके दामाद प्रवीण कुमार चौधरी, लक्ष्मी चौधरी जी, दामाद नवनीत विष्ट, इंदु विष्ट, बेटी मनीष रावत, आशा रावत जी, आप प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा अच्छी लग रही है आप सबको? समझ में आ रही है बातें? दिक्कत तो नहीं हो रही है कुछ? साथी प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जी, मैया उर्वशी देवी जी, बेटा रविंद्र यादव, राजेंद्र यादव, गुड्डू यादव, श्री लक्ष्मी देवी जी, गोविंद यादव जी, श्री निशा यादव जी, प्रताप सिंह, उर्वशी मैया, कहाँ है, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से आप पूरा परिवार आप आए हैं, जो नहीं आए सो टीवी पर सुन रहे हैं। बड़े प्रेम से आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा अच्छी लग रही है आप सबको? भगवान आप सबको सुखी रखें। भीखम प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती मंदाकिनी तिवारी जी, साथी हेमंत तिवारी जी, श्रीमती प्रीति तिवारी जी, पुत्र दीपक तिवारी जी और सारा परिवार, दीपक भैया जी और साथ में तिवारी परिवार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरती से आप आए हैं। आप सबको अच्छा लग रहा है कथा की गंगा में डुबकी लगाकर? श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती प्रेमला नारायण केंद्री अहमदपुर महाराष्ट्र से हैं, भाभी आपकी श्रीमती छाया तुकाराम केंद्री जी, बेटा चंद्रशेखर, सीताराम मुंडे, समस्त परिवार आप सब आए हैं। आप सबकी जीवन में भक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, भगवत प्रेम की वृद्धि हो, सारी खुशियां विधाता आपकी झोली में डालें, आप सब सुखी रहें, यही आप सबके लिए आशीर्वाद मंगल कामना है। सबको अच्छा लग रहा है मेरी माँ? भगवान की कथा मैं कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे पापी ने जब भागवत की कथा सुनी तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। भागवत जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, यहां से भागवत जी प्रारंभ हो रही है ब्रह्म सूत्र से। अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रथम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, और दूसरा है कि जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से जन्म हुआ, जो जन्म देने वाले, पालन संहार करने वाले, चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं, जिन पर ब्रह्मा भी मोहित हो गए, मोहियंत यत्सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी ज्ञानी मोहित हो गए, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उनको धारण करते हैं अपने हृदय में। धीमही, धीमही का अर्थ है धारण करना, धीमही का अर्थ है ध्यान करना, और धी का अर्थ होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठाओ, अपनी बुद्धि भगवान को दे दो। आज हम आपको कथा में एक चरित्र सुनाएंगे भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे, तो बाणों की सैया पर पितामह जब लेटे तो
वो इंतजार कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप आंखों में आंसू हैं? भगवान ध्यान कर रहे थे, ध्यान। अर्जुन ने कहा, प्रभु सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सारी दुनिया भले ही मेरा ध्यान करती हो, पर मैं तो अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन ने जानना चाहा, प्रभु वो कौन सा भक्त है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं? मुझे बताइए कि वो कौन सा श्रेष्ठ भक्त है कि जिसका ध्यान आप कर रहे हैं? भगवान बोले कि वो कोई और नहीं, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिनका हम अभी ध्यान कर रहे हैं। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त को याद करते हैं। जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। जो ईश्वर को ध्यान में रखते हैं, ईश्वर उन्हें अपने ध्यान में रखते हैं। इसलिए भगवान किसका चिंतन करते हैं? भक्त का। अच्छा ये बताओ, आप सीताराम सीताराम जपते हो, राधे श्याम जपते हो, श्रीमन नारायण जपते हो, तो भगवान क्या जपते होंगे? भगवान भी तो कुछ जपते होंगे। तो भगवान क्या जपते हैं जानते हो? भगवान प्रहलाद 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 प्रहलाद, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मीरा मीरा मीरा, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सूरदास सूरदास, रैदास रैदास रैदास, ऐसे जपते हैं भगवान। भगवान भक्त तो भगवान को जपता है, पर भगवान भक्त को जपते हैं। भगवान भक्त का पूरा ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान 52 दिन बाद, जब पितामह भीष्म की बाणों की सैया पर लेटे 52 दिन 52 डेज हो गए, तो भगवान पितामह से मिलने जाते हैं। और जब मिलने गए, मैया मैया देखो सो गई, मस्त जगाना मत मैया, सो गई मेरी मां, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। अच्छा भाई कूलर लगवा दो जरा, वो कूलर सब लगवा दो, थोड़ा कूलर, भक्तों को गर्मी लग रही है, कूलर चालू करा दो। ये पानी वानी डला इसमें, थोड़ा सा घुमा दो हल्का सा, यहां भी लगवा दो, ये बोल दो और कूलर चालू करा दे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग साथ में हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे क्या जपते हैं जानते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्या जपते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण जपते हैं। एक क्षण के लिए भी पितामह ने कृष्ण को भुलाया नहीं। 52 दिन बाद आज भगवान श्री कृष्ण पितामह से मिलने आए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे ही, हे श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था कि मैं चलने में असमर्थ हूँ,
मैं नहीं चल सका तो आप खुद भक्त के पास चल करके आए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, तब मैं समझ गया कि आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो। महाभारत के युद्ध में दो लोगों की प्रतिज्ञा थी, एक तो भीष्म प्रतिज्ञा और दूसरी अर्जुन जी भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कन्हैया मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अब देखिए भगवान की प्रतिज्ञा को चुनौती दे दी पितामह ने, और जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पितामह पर बाण चलाए तो भीष्म पितामह ने जो बाणों की बरसात की तो अर्जुन को धनुष संभालने तक का समय नहीं दिया, इतने तेजी से बाण चलाए। भगवान को समझ में आ गया कि अब तो अर्जुन गए, पितामह के बाणों से अर्जुन कैसे बचते, वो तो पितामह ने खुद नहीं चाहा मारना, बाण मारते तो रहे पर यहां वहां मारते रहे, निशाने पे मारे होते तो एक में काम हो जाता। नहीं चाहते थे पितामह कि मैं अर्जुन को मारूं, लेकिन फिर अर्जुन को भी जो घमंड था कि मैं धनुर्धर, तोड़ दिया उस घमंड को, धनुष संभालने का मौका नहीं दिया भीष्म पितामह ने। जब ये स्थिति भगवान कृष्ण ने देखी कि अर्जुन तो घिर गया, तब भगवान ने वहां रथ का एक पहिया पड़ा था टूटा हुआ, टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े, पितामह यदि मेरे अर्जुन को एक खरोंच आ गई तो मैं अभी आपको मार दूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की क्या ली थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र, लेकिन आज उठा लिया ना, क्यों उठाया, ताकि प्रतिज्ञा पितामह की बच जाए, मेरी टूटे। भगवान कहते हैं मेरा संकल्प टूटे तो टूटे, मेरे भक्त का संकल्प नहीं टूटना चाहिए। भगवान अपने से ज्यादा महत्व अपने भक्तों को देते हैं, अपने से ज्यादा महत्व भगवान अपने किसको देते हैं, भगवान के आगे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भक्त भगवान का मान भले टल जाए, भगवान का मान भले टल जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद नियम बनाते हैं और भक्त पर संकट आए तो उस नियम को खुद तोड़ देते हैं, पर अपना नियम तोड़ते हैं भक्त का नहीं। भीष्म पितामह चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए भी तोड़ी कि पितामह भीष्म को यह समझाना चाहा कि पितामह आपने अपनी प्रतिज्ञा सही समय पर तोड़ी होती तो आज ये महाभारत की नौबत ना आती। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा और ले रखी थी, बताओ कौन सी, कौन सी? भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि इंद्रप्रस्थ के इस हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर जो राजा बैठेगा, इंद्र हस्तिनापुर में जो राज्य करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और सदा उसकी रक्षा करूंगा। यह पितामह की प्रतिज्ञा थी, और यह प्रतिज्ञा किसे दी थी, सत्यवती के पिता को। शांतनु को भी कहा था, अपने पिता को, पितामह भीष्म के पिता शांतनु, माता गंगा, कहा था कि मैं इस गद्दी पर बैठने वाले प्रत्येक राजा की रक्षा करूंगा। अच्छा, रक्षा करना सही है आपका, लेकिन आप ये बताओ कि कोई राजा उस सत्ता पर बैठकर यदि उस सत्ता का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो क्या आप तब भी उसका सपोर्ट करेंगे?
क्या तब भी आप उस अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे? प्रतिज्ञा लेना अच्छी बात है, पालन करना अच्छी बात है, पर लगे कि इस प्रतिज्ञा को तोड़ देने से समाज का हित है तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ भी देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी अब वो प्रतिज्ञा तोड़ेगी ही नहीं। भगवान ने कहा कि तोड़ देते आप, और आपने यदि खुद दंड दिया होता दुशासन और दुर्योधन को तो आज ये महाभारत जैसा नाश ना होता। महाभारत के युद्ध से बहुत हानि हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, निर्दोष लाखों लोग मारे गए थे, आम जनता मारी गई, सेना तो मारी ही गई। आम जनता में सेना ही, वो आम जनता उसका क्या दोष था? जिसकी तरफ से लड़ा वो तो सेना लड़ रही है, पर सेना को तो ना हारने से ना जीतने से क्या है? क्यों व्यर्थ में कोई लड़े? कितनी स्त्रियां विधवा हुई थी उस युद्ध के बाद, कितनी माताओं का बेटा मरा होगा उस युद्ध के बाद, कितने स्त्रियों के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए होंगे उस युद्ध के बाद, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया होगा उस युद्ध के बाद, कितनी क्षति हुई होगी उस युद्ध के बाद। इसलिए मेरी मां, युद्ध करना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध के पहले शांति दूत बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? क्या बनकर गए थे? क्या मतलब है शांति दूत का? कि आपकी, आपके घर में उपजने वाले झगड़े यदि शांति से निपट जाएं तो पहली प्राथमिकता शांति को ही देना चाहिए कि भाई शांति से निपटा लो बातें, शांति से बना लो काम, क्यों झगड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो। भीष्म पितामह ने यदि दुर्योधन और दुशासन को जरा दंडित किया होता तो यह स्थिति ना होती, परंतु जो हुआ सो हुआ। आज भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कन्हैया से कह रहे, प्रभु मैं एक बात कहूं? हाँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ आपसे। भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, पता है आपको? आपको पता है? भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, क्या नाम है उसका? आपकी बेटी है, क्या नाम है उसका? मानसी। एक बेटी और है आपकी, पता है आपको? क्या नाम है उसका, जो दूसरी वाली है? दूसरी नहीं है आपकी बेटी, एक ही है। किसी पिता की एक बेटी है तो ऑलरेडी उसकी दूसरी बेटी है, दो बेटी है तो ऑलरेडी तीसरी है, तीन है तो ऑलरेडी चौथी है, एक भी बेटी नहीं है किसी की, कोई कहे तो उसकी एक बेटी है। हर स्त्री की एक बेटी है और हर पुरुष की एक बेटी है। मैया बताओ, आपकी बेटी है? कितनी? दो। तो दोनों के नाम बताओ। दो हैं कि एक ही है? एक है। तो दूसरी का नाम? दो हैं आपकी। फिर हम सबकी एक एक बेटी है, भीष्म पितामह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? ये मैया बताएंगे इस तरफ की, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं, गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना? मैया बताओ इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? है तो हाथ उठाओ।
है। तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है, स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री, और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना, हुई ना बेटी। तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का विवाह? देश से, विवेक से, विवेक विवेक पाठक। हाँ, उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ, ये ठीक है। हम आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है, बुद्धि उसका नाम है। हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें, और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, सदा इसे अपने चरणों से लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो, और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिनका जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों से भी तो विवाह करना है। तो भगवान प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी पत्नियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं? तो बताओ, भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी, हम संभाल सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो। किसी और को दिया तो कोई और फिर क्या करेगा? कोई और फिर क्या करेगा? फिर कोई और करेगा? फिर आप कहोगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। आप किसी और को दिल विल दे दोगे ना, तो लोग क्या करेंगे? तोड़ मरोड़ के आपको लो रख लो, फिर आप रोगे, तो आपको रोना ना पड़े मेरी माँ। नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे, दिल के टुकड़े
टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लोग तो आपके दिल के एक नहीं कई टुकड़े करेंगे। आजकल लड़कियां प्यार नहीं करती बहुत, प्यार करने वाली लड़कियां, एक लड़की ने प्यार किया एक लड़के से तो उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इसलिए कहीं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इसलिए प्यार सोच समझ के करना, किससे करना है प्यार, भगवान से करो। ने कहा चलो शादी कर लो, दबाव बनाया क्योंकि उस लड़के ने तो उसके साथ बहुत सारे दिन गुजार चुके थे, शोषण कर ही चुका था, तो अब लड़की के पास तो ऑप्शन था नहीं। लड़की ने बोला कि विवाह कर लो, तो उस लड़की ने जब दबाव दिया तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते को खिला दिया। नहीं सुना था आप लोगों ने, एक और सुना होगा कुकर में पका दिया। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला के चल दिया। तो ये हो रहा है। तो दिल यदि आपने जगत को दिया तो टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है, और जगन्नाथ को दिया तो कल्याण होना निश्चित है। इसलिए मर्जी आपकी है, तो आप किसको दिल देंगे अपना, बुद्धि कहां लगाएंगे? उल्टी सीधी जगह मन को बुद्धि को खर्च नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया केवल आपको यूज करना जानता है, ये दुनिया केवल आपका शोषण करना जानती है। शोषण कर लिया, लोग अपनी हवस पूरी करते हैं और उस हवस को पूरी करने में केवल प्यार का मुखौटा पहनते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लोग आपकी त्वचा से, आपके बॉडी से, आपके शरीर से प्यार करते हैं, शरीर की भूख मिटाकर, जैसे च्युइंगम को चबा कर लोग थूक देते हैं, तुम्हें भी चबा कर ये दुनिया थूक कर चली जाएगी, ना तुम घर की रहोगी ना। तो इसलिए शादी विवाह बहुत अच्छा विषय है, माँ बाप की राजी मर्जी से हो, और दिल बुद्धि भगवान में। ज्यादा हाय हाय ज्यादा संसार में ना उलझो, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान में समर्पित की, तब जाकर उनकी परम गति हुई। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पितामह तड़पते रहे बाणों की सैया का कष्ट। सोचिए हमें कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और पितामह को तो बाण आर पार चुभे थे, आर पार, सैया मतलब आर पार थे ना, चुभे थे, उस पर लेटे थे, कितना कष्ट हो रहा। लेकिन और इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो चुप चाहे मर जाएं, पर वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक मर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अरे मरना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अपने मन को अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दिया। यदि बिना जोड़े मर गए तो मर के फिर आना पड़ेगा, अधूरा काम करोगे तो पूरा करने फिर आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु तब तक चलता है जब तक आप अपनी बुद्धि को प्रभु से नहीं जोड़ देते। तो इसी जन्म में आप जोड़ दोगे कि अभी अगला जन्म और लोगे आप लोग, अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या बनोगे। 84 लाख योनियों में ईश्वर कहां भेजते हैं, और फिर कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो पता नहीं उस मनुष्य के बनने के बाद ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, ऐसा धाम मिलेगा कि नहीं। इसलिए बीती जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हों ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को त्याग करके आज ही अपना कल्याण कर लो, अगले की अगले बार जब आएंगे तब आएंगे। हम तो भगवान की कृपा से 84 के चक्कर से यदि आप मुक्त हो गए
भैया ये 84 का चक्कर क्या है ये भैया बताएंगे पी ले। 84 का चक्कर क्या है ये, क्या होता है 84 का चक्कर? हाँ नहीं पता। ये 84 का चक्कर क्या होता है? हाँ हाँ भैया क्या होता है 84 का चक्कर? दादाजी क्या होता है 84 का चक्कर? 84 लाख योनियां होती हैं, जैसे कुत्ते की योनी, बिल्ली की योनी। योनी मीन्स हम हर बार योनी से जन्म लेते हैं। चार प्रकार की उत्पत्ति होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। चार प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे मां के पेट से झिल्ली में लिपटा हुआ हम हैं, जरायुज। जैसे जमीन फोड़कर आलू इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, ये अलग हैं। अंडज मतलब अंडे से हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग डायरेक्ट मां के पेट से जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए आए हैं। ये एक होता है अंडज। जैसे जितने भी जीव जंतु अंडा रखते हैं वो अंडज हैं, जैसे चींटी है, पक्षी है, ये सब अंडज हैं। तो ये सब चाहे कैसे भी उत्पत्ति हो, पर हर उत्पत्ति में एक योनी होती है। योनी मीन्स आप, योनी मतलब मां के गर्भ से ही बाहर आएंगे ना, योनी से, योनी भाग से, तो वो योनी है। अब जैसे पेड़ पौधे, तो अब आप ये मान लो कि ये पृथ्वी की योनि से प्रकट हुए, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए। पेड़ पौधे किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? पेड़। एक होता है पसीने से, जैसे गोबर हुआ ना, तो गोबर में कोई, जैसी गाय गोबर करती है उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। वो कीड़े उसमें कहां से आ गए? वे स्वेदज बोले जाते हैं। स्वेदज उत्पत्ति है, मतलब वो पसीने से। जैसे आपके सिर में आप बहुत सारा पसीना है और आप धोइए मत, चार पांच दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी जुई होंगी, छोटे छोटे जुए अपने आप। ये कुछ चीजें पसीने से, ये चार प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चारों जो उत्पत्तियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चारों उत्पत्ति हैं। इन चारों उत्पत्ति को कई बार भोगना पड़ता है, तब जाकर के 84 लाख योनि होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, पक्षी, पशु, ना जाने क्या क्या है, ये सारा जब सोचिए, विज्ञान अभी नहीं गिन पाया अभी तक कितनी योनियां हैं। लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा, ये भी साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है, और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है, जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से, तो शरण में आ जाइए भगवान की, और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो,
निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति अधर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी प्यारी माँ। भैया आप लोग बैठ जाओ ना, मेरी माँ मैया बैठ के सुन लो। सुनो, मनुष्य का धर्म क्या है आप बताओ। आपका धर्म क्या है? संसार का पालन करना, ये आपका धर्म है। तो धर्म में आगे बढ़ना, तो ये धर्म है क्या? वही तो परिभाषा पूछ रहे हैं, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। हाँ आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम, ठीक है। धर्म किसे कहते हैं? हाँ? आर्मी वाले हैं आप, आपका धर्म है केवल देश की सेवा करना, ठीक है। धर्म की परिभाषा है, धर्म किसे कहते हैं? तो सबका धर्म अलग अलग है। अब उसमें से थोड़ी सी व्याख्या जो सबके लिए लागू होगी वो कुछ है। चार परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती हैं जब एक दूसरे के ये पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना। दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, दया धर्म की जड़ है। कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी। इसलिए दया ही धर्म है। और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और है। हमने कितनी परिभाषा दे दी दया धर्म की? दो। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए? आप बताओ भैया जी, आप तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना, परेशान करना पड़ोसी? हाँ मैं ये बताओ। हाँ, धर्म है ना दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से सत्य ही। हाँ मैया, पीली मैया, क्या बतख्याव कर रही हो? क्या कह रही हो? सत्य बोलेंगे तो क्या नहीं चलेगा?
सत्य बोलने वाला सबसे बुरा होता है, तो हो जाने दो भाई, सब ऐसे हो जाते हैं तो हो जाने दो। यदि सत्य बोलने से सब ऐसे हो जाते हैं तो झूठ बोल के सब ऐसे भी रहे तो ऐसे भी कौन सा हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे, कौन से हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे। ऐसे हो जाओ तो हो जाओ, पर हम बोलेंगे सत्य। लोग कैसे हो रहे हैं मतलब नहीं, आप कैसे होगी बाद में ये ध्यान रखो थोड़ा, क्योंकि जब हिसाब यमराज जी हमसे पूछेंगे तो हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों के कारण आपने झूठ बोला था। क्यों जी होंगे? जब यमराज जी आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो आपने जिनके आप अपने बच्चों के लिए यदि झूठ बोला होगा, अपने बाप के लिए झूठ बोला होगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला होगा, तो वो लोग वहां कोई नहीं होंगे, केवल आपको हिसाब देना। इसलिए मेरी मैया सजन रे झूठ मत बोलो। है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ओ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैया जी तुम झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हाँ, ये सब कुछ यहीं रह जाएंगे, ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। ये गीत तो सुना होगा मेरी माँ, नहीं? तो धर्म की परिभाषाएं कितनी हो गई टोटल, पहली बताओ। सोया, सेवा, दूसरा दया, तीसरा सत्य बोलना, चौथी और बता दो। क्या क्या? हाँ, क्षमा और दया एक ही तो है। अच्छा, तुम घुमा रहे हो पर्यायवाची बोल के। धर्म किसे कहते हैं? दया को धर्म कहते हैं, सेवा को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, और किसे कहते हैं धर्म? ओडिशा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा और क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, स्त्री का एक धर्म है जिसे पातिव्रत धर्म कहते हैं,
पतिव्रता, पातिव्रत है ना। राज का, राजा का धर्म अलग है राजधर्म, प्रजा का धर्म अलग है। अब ये इन तीन के अंदर ही फिर इनकी शाखाएं निकलती चली जाएंगी। धर्म किसे कहते हैं इसका सूक्ष्म यदि विचार किया जाए तो ये तीन ही सूक्ष्म विचार हैं कि धर्म की परिभाषा है सत्य बोलना। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर एक धर्म और है जो बढ़िया है, जो शास्त्रों में उसका उल्लेख है, मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बता दें तो मैं आपको नंबर दे दूं 100। हां अहिंसा ही परमो धर्म। हां धर्म की चौथी परिभाषा है अहिंसा। मैं किसी को मारता, चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करना रक्षा का अधिकार तो है, पर व्यर्थ में वे वजह किसी के प्राणों को लेने का अधिकार। आप लोग जो मांस खाते हैं, अंडा मछली मुर्गी बकरा बकरी भैंसा भैंस सब खा लेते हो भक्षा भक्त, ये सब सही है या गलत है? हाँ आप खाते हो अंडा? आप जी मांस वांस खाते हो? क्यों बेटा आप अंडा वगैरह, अंडा तो नहीं लेते? सही आप जी अंडा, आप अंडा लेती हो बेटा? मैया आप अंडा खाती हो? नहीं। मैया ओ लाल पीली मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा जा रही हो, अच्छा तो हम चलते, ऐसी कह रही हो? ठीक है कब मिलोगी मेरी माँ? फिर कब मिलोगी? जाते जाते भोजन प्रसाद ले लेना। ठीक है मैया बैठो। तो धर्म की परिभाषाएं टोटल कितनी हो गई? चार। फिर रिवीजन कर लो एक बार, याद कर लो, कोई बोलेगा पूछेगा तो याद करके तुरंत बोल देना। आप लोग जवाब अपने, एक प्रश्न हो तो जवाब चार होने चाहिए, प्रश्न एक तो जवाब। हाँ हम लोग एक प्रश्न के चार चार छह छह जवाब संभाल के रखते हैं। एक प्रश्न के कितने उत्तर बताओ? धर्म किसे कहते हैं? फास्ट धर्म किसे कहते हैं? सेवा। सेवा करो, माँ बाप की पति हो तो पुत्र हो तो आप, माँ बाप की पत्नी हो तो पति की, सबकी सेवा करो, सबको खुश रखो, दया करो, और अहिंसा ही परमो धर्म, किसी की हत्या बेवजह ना हो। जहां हत्या की जरूरत है वहां हत्या भी धर्म बनती है। रावण जैसों की हत्या कर देना, बाली जैसों की हत्या कर देना, दुर्योधन दुशासन जैसों की हत्या कर देना ही धर्म है, इसलिए हत्या उनकी की गई। कई बार हत्या करना जरूरी है। अब जैसे हमारे देश में कानून है कि फांसी की सजा होगी, और फांसी में आदमी मरता ही तो है, तो वो सही है भाई, आपने अपराध किया है तो दंड जरूरी है, तो वो हत्या नहीं है क्योंकि वो तो दंड है। राम जी ने रावण की हत्या नहीं की, राम जी ने रावण को दंड दिया। दुशासन दुर्योधन की हत्या नहीं हुई, इनके किए का दंड दिया गया, ये हत्या नहीं है। हत्या तो तब होगी ना जब बेवजह आप मारेंगे, भाई हमने कोई गलती नहीं की और आपने मार दिया, ये हत्या है। पर गलती करने के बाद किसी ने उसे मारा है तो वो हत्या नहीं है, वो दंड है। बात समझ में आ रही है? तो हत्या जहां जरूरी है वहां तो करने। अब आपके सामने आतंकवादी आएंगे, आप सेना में हैं तो भाई अब उनके लिए तो दया नहीं दिखानी पड़ेगी, उनको तो मारनी पड़ेगा, दो चार मारो, ठीक मारना, तो मारना धर्म है। वहां आतंकवादियों को ना मारना वो अधर्म हो जाएगा, मारना ही धर्म है। राम जी ने बाली को मारा,
लोग पूछते हैं राम जी ने छिपके क्यों मारा, अरे अधर्मी को तो सामने से मारो पीछे से मारो बस मारो, ताही बधे कछु पाप ना होई, ऐसे मार देने से पाप नहीं इसलिए मारो बस। आतंकवादी यों के गोली चाहे छाती में लगे चाहे पीछे खोपड़ी में लगे बस लगे, क्यों जी यही धर्म है। इस परिभाषा को कुछ लोग नहीं जानते, इसके कारण पृथ्वीराज चौहान शायद ये बात नहीं जानते थे, यदि ये बात जानते तो मोहम्मद गौरी को वो पकड़ करके युद्ध में हरा करके यूं जिंदा छोड़ते नहीं। बीमारी को और दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सदा इनसे सतर्क रहना चाहिए। बीमारी हुई थी तो वो जैसे आपने टाके लगवाए थे आपको लगा ठीक है, कई बार वो 20 दिन बाद फिर मुंह फुला लेते हैं, हाँ या ना, फिर पकने लग जाते हैं। तो बीमारी और दुश्मन, पृथ्वीराज चौहान ने यदि मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आंखें ना फूटती बाद में, हाँ या ना। इसलिए दया वहां करो जो दया का पात्र हो, जो दया का पात्र नहीं हो से मारो। हनुमान जी लंका गए, सबको सूट सूट के आए, जो जैसा मिला अक्षय कुमार को तो मार ही दिया, अक्षय कुमार को मार संहारा मार ही दिया, और बाकी सबको फिर पूछ में आग लगा के सबके घर में घुस घुस के सबको जो जैसे मिले। अब हनुमान जी से कोई बोले आप तो बड़ा पाप करके आए, कितने मर्डर कर दिए आपने, अरे नहीं वो इसी योग्य थे, लंकावासी इसी योग्य थे। इसलिए जो जिस योग्य है, जो जैसी बीमारी वाला है उसे वैसे ही तो टैबलेट देनी पड़ती है। इसलिए जैसे को तैसा, इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, पर जरूरत पड़ने पर हिंसा भी जरूरी है। जब युद्ध होगा तो वहां हिंसा करना ही धर्म माना जाए, चलो ये मारो मरो या मारो, यही तो नारा दिया था हमारे देश में, मरो या, तभी देश आजाद हुआ। यदि मरो मारे मरो या मारो की बात ना आती तो आजादी नहीं मिलती। अब ऑप्शन यही बचा था, या मर जाओ या आखिरी यही ऑप्शन है, तो फिर वहां यही धर्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है ना। अब हमारे देश में सिकंदर आया, ऐसे और कोई आ जाए और देश को हानि पहुंचाए, तो भाई जो हानि देश को पहुंचाए, हमारे समाज को हानि पहुंचाए, हमारे बहन बेटियों को हानि पहुंचाए, ऐसे लोगों को तो बस मारो, इनको तो मारना ही धर्म है। इनके लिए फिर ये पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा कि अहिंसा ही परमो, नहीं नहीं भैया, तुम्हारे लिए अहिंसा नहीं है, अहिंसा उनके, अहिंसा वाली बात उनके लिए है जो निरपराध है, जिसने कोई अपराध नहीं किया। अब तुम तलवार लेके खुलेआम जनता को मार रहे हो तो ये अपराध है, इसलिए। तो बात क्लियर हो गई? हाँ, इसलिए धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। भगवान सगुण है या निर्गुण है आप बताइए, सबसे सवाल कर रहा हूं। क्या सुपारी ले ली आपने, मस्त हैनी, ये पकड़ के ये मारा और जे बार, चलो अब रहने देना मुंह में, थूक मत देना, गोटा खी लिया सौंप, कोई बात नहीं, हम तो विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, आपने सीरियस ले लिया, सौंप ही गुटक गई पूरी। सुनो, भगवान कैसे हैं, साकार या निराकार, मैया कैसे हैं, भगवान कैसे हैं बेटा, साकार का मतलब क्या होता है,
निराकार का मतलब क्या होता है? साकार का मतलब होता है जिसका आकार है वो साकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है वो जैसे आकाश, आकाश का क्या आकार है? पानी, पानी का कोई आकार नहीं, इसलिए पानी निराकार है, आकाश निराकार है, पानी निराकार है। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। पानी निराकार है पर बर्फ निराकार नहीं है। उसी तरह पानी ही तो बर्फ बना, उसी तरह भगवान निराकार भी हैं, और भक्तों की जरूरत पड़ने पर वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो वही जरूरत पड़ने पर साकार भी हैं और जरूरत पड़ने पर निराकार भी है। वही पानी है, वही बर्फ है। अच्छा, पानी और बर्फ कोई अलग अलग है, दो वस्तु है या एक ही वस्तु है? वस्तु एक है पर आकार दो है, निराकार और साकार। वस्तु एक है, पदार्थ एक है, पर दिख रहे हैं दो भागों में, वो पानी भी दिख रहा है और बर्फ भी दिख रहा है। अच्छा, दोनों का उपयोग भी अलग अलग है। पानी पिया जा सकता है, बर्फ पिया नहीं जा सकता, बर्फ खाया जा सकता है, व्यवहार बदल गया, जबकि तत्व नहीं बदला, पानी ही है। वो है क्या? पानी। लेकिन पानी का व्यवहार और बर्फ का व्यवहार में अंतर है। कोई आपसे पानी मांगेगा तो उसे आप गिलास में भर के बर्फ दे दोगे तो ये शिष्टाचार नहीं होगा। पानी मांगा जा रहा है तो पानी ही देना, जबकि है वो दोनों तत्व एक पर व्यवहार हो गए दो। उसी प्रकार परमात्मा है एक, लेकिन वही एक परमात्मा व्यवहार में दो बन गए, कभी निराकार तो कभी साकार। जहां जरूरत पड़ी वहां साकार बनकर आए, राम कृष्ण बनकर आए, नरसिंह वामन बनकर आए, और जहां जरूरत नहीं पड़ी तो अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित है, कण कण में व्याप्त है। तो वही साकार भी है और वही निराकार भी है, इन दोनों में कोई अंतर? भगवान के अवतार हैं टोटल 24। सनक भगवान के प्रथम अवतार हैं सनकादि, दूसरे बाराह, तीसरे नारद जी, चौथे नर नारायण, पांचवे कपिल देव जी, छठवे दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवे पृथु भगवान, दसवें मत्स्य, ग्यारहवें कच्छप भगवान, बारहवें धनवंतरी, तेरहवें मोहिनी, चौदहवें नरसिंह, सोलहवें पंद्रहवे वामन, सोलहवे परशुराम जी, सत्रहवे वेद अभ्यास जी, अठारहवे राम, उन्नीसवे बलराम, बीसवे कृष्ण, इक्कीसवे बुद्धावतार, बाईसवे हरि अवतार, तेईसवे हंस अवतार और चौबीसवे अवतार कल के अवतार होंगे, हुए नहीं है होंगे। ये 24 अवतार भगवान के हुए। इन अवतारों में कृष्ण की कथा भागवत जी में विस्तार से, राम है तो 24 अवतारों की कथा भागवत जी में, लेकिन बाकी अवतारों की कथा सूक्ष्म में है, थोड़े में है, भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से। तो मैं कृष्ण की कथा का विस्तार आपसे करूं। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा नारद जी के कहने से लिखी। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत से, महाभारत की युद्ध से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना स्टार्ट की। महाभारत, महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, मैया लो उसे काटा कर रही है मैया, उसे उड़ने दो, कच्चा में ध्यान नहीं है मैया का, झूठी मैया।
अच्छा, तो उसको टाटा करके धन्यवाद दे रहे हैं, तेरे हवा दे दी मेरे को। सुनो, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो हम सब के लिए संजीवनी बूटी है। आप में से कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है? टीवी पर देखा, सुना भी होगा महाभारत के बारे में। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? आप बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आपने क्या सीखा? हाँ, कृष्ण ने जीता। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की इज्जत करना। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा भैया? आपने क्या सीखा महाभारत के युद्ध से? आपसे पूछ रहे हैं सरकार। आपसे भी पूछेंगे पीछे वाले जो मस्ती से बैठे हो। बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा? कुछ नहीं, नहीं? ये तरफ के मैया बताएंगे, भैया बताएंगे, ये जो इस तरफ बैठे हैं। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ नहीं। इस तरफ की मैया भैया बताएं। मैया, ओ झोले वाली मैया, महाभारत से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। बैठो, अभी बताते हैं आपको क्या सीखा है। मैया, आपने क्या सीखा महाभारत से? खड़ी हो मैया, बताओ। गुलाबी मैया, पिंक मैया, चलो पीछे वाले भक्त बताएंगे महाभारत से आप लोगों ने क्या सीखा। चलो आप सब बताओ। महाभारत के युद्ध से हम लोगों ने जो सीखा है, यदि वो सीख अपने जीवन में धारण कर ले, तो फिर हमारे जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। ऐसा कुछ सिखाता है महाभारत, यदि आप सीखना चाहते हैं तो। इतिहास की घटनाएं हमें सिखाती हैं, और ये तब सिखाएंगी जब आप सीखने को तैयार होंगे। जो हमें इतिहास सिखा सकता है, वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। आपके बाप का अनुभव जो है, अधिक से अधिक 80 साल का अनुभव होगा, पर इतिहास जो लिखता है ना, इतिहास में जो लिखा है, वो हजारों साल का अनुभव लिखा गया है महाभारत में, पूरे जीवन का अनुभव है, उससे बाद फिर कुछ नहीं है। महाभारत में जो है वो कहीं नहीं है। धरती का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना महाभारत है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। भागवत जी में केवल 18,000 श्लोक हैं। 18 पुराण अलग हैं और महाभारत अलग है। महाभारत जो सिखाता है, कोई नहीं सिखा सकता। सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंग है, महाभारत। अब आप देखिए, मैं प्रत्येक पात्र का नाम ले लेकर के बिल्कुल आपको सिखाऊं और समझाऊं। महाभारत में आपने क्या सीखा है? पहला, महाभारत से हम लोगों ने यह सीखा कि कभी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ। यदि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान ना हुआ होता, तो महाभारत ना होता। अपमान कैसा हुआ? कपड़े उतारे गए, हाँ या ना?
आप लोगों के घर में भी महाभारत की स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब आप लोग भी अपनी पत्नी का अपमान करते हो, तो पत्नी रूठ के चली जाती है, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। फिर क्या होता है, पत्नी मायके चली गई, आपने फोन लगाया, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी आ जाओ। फिर वो अपनी मां से कहती है, मां उनका फोन आया था, सॉरी कह रहे हैं। मां बोलती है, नहीं बेटी जाने की जरूरत नहीं है, अब तो दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब भेजूंगी तुझे। तो दामाद जी को भी गुस्सा कम था क्या? पत्नी ने बोला, मैं नहीं आऊंगी, मां बोल रही है जब तक आप नहीं आओगे। बोले, तुम गई हो तो तुम ही आओ, मैंने थोड़ी तुम्हें वहां भेजा है। ना पति लेने गया ना पत्नी आई, दूरियां थी तो दूरियों से दूरियां बढ़ती चली गई। बात जरा सी थी, जरा सी समझ होती तो बात ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था, ये तो हर पति पत्नी का झगड़ा होता है। लेकिन आपने बातों को विवादों में बदल लिया, दूरियां हो गई आपकी। इसके बाद आप ना पत्नी का हाल चाल लेते, फिर पत्नी को भी लगने लगता है, वाह बड़ा कहते थे तेरे बिना कैसे रहूंगा, तेरे से बहुत प्यार करता हूं, अब देखो अब तो ना बात कर रहे हैं, ना व्हाट्सएप पे कोई ना रिप्लाई है, ना कोई कॉल है। अब चूंकि दो चार दिन याद आती भी है, लेकिन जब आदमी रहने लगता है ना, तो हर हमारी बॉडी ना उस तरह से मैनेज कर लेती हर चीज को। आपको यदि हम आपके साथ रहने लग जाएंगे ना, तो हमें आपके साथ रहने की आदत हो जाएगी। यदि हम आपके बिना रहने लग जाएंगे, तो हमारी बॉडी दो चार दिन में वो आपके बिना रहने की आदि हो जाएगी। हाँ या ना भाई, मन दो चार दिन परेशान करेगा, फिर वहां पत्नी भी अपना रहने लग गई, पति भी, दोनों अलग अलग। फिर पत्नी माँ के पास, यहां लड़के को लगा कि अब जरूरत उसे है नहीं उसकी माँ को, तो ये अपना दूसरा देखना स्टार्ट कर देता है, तलाक के कागज भेज देते हैं। तलाक जिसकी तरफ से भेजा गया, माना कि लड़की ने तलाक भेजा या लड़के वालों ने, तो लो देखो ये तो तलाक लेना ही चाहते थे, तो भाई अब या तो तुम्हारे साथ तुम आ जाओ प्रेम से रह लो। ना इसकी कहावत है, ना तो लीला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना थूका जा रहा है, ना अंदर ही जा रहा है, ना बाहर ही आ रहा है। या तो आ जाओ तो प्रेम से रहो, या फिर तो फिर लोग अपना हिसाब किताब खत्म कर लेते, तलाक हो जाता है जरा जरा सी बातों में। इसलिए समझदार लोग ये गलतियां नहीं करते। समझदार लोग क्या करते हैं, महाभारत से सीखते हैं, नारी का कभी अपमान नहीं करते। यदि नारी का अपमान किया है तो सॉरी बोलिए, स्वीकार कीजिए। और पत्नी, स्त्रियों को भी चाहिए कि आप अपने पति को ना अपने मायके में, अपनी माँ के आगे, अपने भाइयों के आगे अपने पति को जलील मत कीजिए, क्योंकि आपका पति आपकी इज्जत है। ना तो पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के सामने, ना तो पुरुष अपनी पत्नी को जलील करे, ना तो स्त्री अपने परिवार के सामने पुरुष को जलील करे, क्योंकि रिश्ते बन भी जाए ना साहब, तो जो अपमान होता है, याद रखिएगा, किसी का सम्मान ना कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप किसी का सम्मान मत कीजिए, पर भूल कर भी किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति सम्मान भूल जाता है, अपमान कभी नहीं भूलता। चाहे वो ससुराल पक्ष, चाहे वो लड़के के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो, या पत्नी के माँ बाप के पक्ष से किया गया अपमान हो, अपमान कभी नहीं भूलता व्यक्ति आखिरी दम तक। लाख कोशिश कर ले, चाह करके भी नहीं, वो भले उसे इग्नोर कर दे, भले उस पर वो बात ना करे, कभी ना करे, वो ही अच्छा है, बात नहीं करनी चाहिए इन बातों पर। लेकिन हम आपके लिए सदा के लिए एक बात समझा रहे हैं कि कभी किसी का सम्मान मत कीजिए। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी का सम्मान नहीं करते,
करिए तो सम्मान कीजिए, और सम्मान करना भी ना आए तो मत कीजिए, पर भूल कर किसी का अपमान ना कीजिए। मैं आपका कितना भी सम्मान कर लूं, लेकिन यदि मेरे से धोखे से ना चाह करके भी आपका अपमान हो गया तो आप मेरे 100 सम्मान को एक पल में भूल जाएंगे, पर एक अपमान को सदा के लिए याद कर लेंगे। यही नियम है विधाता का, ये प्रकृति है। इस सिद्धांत को समझो, इसे नकार नहीं सकता कोई। इसलिए हर पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति के सम्मान की रक्षा करें, और हर पुरुष का धर्म है कि वो अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करें। बात बात में तुम अपनी पत्नी के माँ बाप तक ना दौड़ा करो, और स्त्रियां भी बात बात में तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा। स्त्रियों को यदि उनके माँ बाप के बारे में बोला जाए तो उन्हें बुरा लगता है, तो पुरुषों को भी बुरा लगता है। तुम्हारी इन बातों से ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं, इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि शब्दों में जान होती है? अरे शब्द ही जान डालते हैं, राम जी में प्राण प्रतिष्ठा शब्दों ने ही तो की थी। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुन्द्र के वो मोती है जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए, शब्दों को चुनिंदा शब्दों का प्रयोग कीजिए। पत्नी के लिए जैसे आप बढ़िया सा हार लाते हो, पत्नी के लिए बड़ा सा सुंदर सा गुलाब लाते हो, पत्नी के लिए जब हर चीज सेलेक्ट करते हो, अच्छी से अच्छी चीजें पत्नी के लिए लाते हो, पति के लिए लाते हो, तो अच्छे से अच्छे शब्दों का भी चयन करके पत्नी और पति के लिए रखा करो कि इन शब्दों की मर्यादा में ही रहना है हमें, गुस्से में भी उन शब्दों का, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट का आएगा, और आपने गुस्से में कुछ कहा तो सामने वाले को याद हो जाएगा कि आपने ये बोला था। इसलिए संभालो, महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से अपमान पर टिका है। भीम भैया ने क्या कहा, दुशासन तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवता दिग्पाल सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 100 के 100 कौरवों को भीम कहते हैं कि मैं भीम, तुम 100 के 100 कौरवों को एक साथ उस युद्ध में मारूंगा, मेरे हाथ से मरोगे तुम 100, इन्हीं हाथों से मारूंगा मैं, मारूंगा। एक भीम ने 100 के 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कब ली, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन तूने मेरे केस पकड़े हैं, जा, जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती मैं अपने बाल कभी बांधूंगी नहीं। तब से द्रौपदी के बाल खुले रहते थे, द्रौपदी ने कभी अपने बालों में चोटी नहीं की, गूथा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, सदा खुले थे बाल, तब तक जब तक दुशासन के रक्त से धुल नहीं लेती। प्रतिज्ञाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिज्ञाएं क्यों ली गई, अपमान, तूने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मेरे कपड़े उतारने चाहे, मैं तेरे रक्त से जब तक स्नान नहीं कर लेती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी, द्रौपदी की प्रतिज्ञा। तो पूर्ण रूप से महाभारत क्यों हुआ, अपमान के बदले के कारण। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपमान किसी का ना करना, अपमान करोगे दंड मिलेगा, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर किया जाता, सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप लोग ना सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पत्नी से मजाक करना अच्छा है, पति से मजाक करना अच्छा है, पर मजाक भी मर्यादित हो। आप लोग कई बार मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर देते हैं, बाद में वो बातें चुभ जाती हैं, उन्हीं बातों से तू तू मैं होती है।
हाँ या ना? इसलिए संभाल के, ये जो है ना आपका 3 इंच की जेबा, ये भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे, बोली के घाव। संभलना मेरी माँ, संभालो अपनी जवान को। आप लोग सास को कुछ भी बोल देती हो, सासें भी बहुओं को कुछ भी बोल देती हैं, सासें भी अपनी जवान पर लगाम नहीं लगाती। बहुओं से जरा गलती हुई तो तेरे बाप ने यही सिखाया है, ऐसे ना बोला करो मेरी माँ, बहू फिर बाद में मजा चखाएगी तुम्हें। इसलिए सास ही क्यों ना हो और बहू ही क्यों ना हो, मर्यादा तो सबके लिए है ना। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सीता माँ ने किया था, चाहे सीता माँ ही क्यों ना हो, यदि मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ा। इसलिए मजाक की भी एक मर्यादा है, सास की भी एक मर्यादा है, बहू की भी एक मर्यादा है, पति और पत्नी की भी एक मर्यादा है, माँ और एक बेटे की भी मर्यादा है, मित्रों की भी मर्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ सबको किस में रहना चाहिए, मर्यादा में। इसलिए हमारे भगवान राम आए और मर्यादा की स्थापना करी और सबको बताया ये मर्यादा होती है, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्या नाम पड़ा? मर्यादा में रहो। लेकिन आज आप लोग समझते हैं ना, आज लोग मर्यादा में नहीं। आजकल की पिक्चरें बनती है मेरी माँ, ऐसे ऐसे उनमें बातें, वहां कुछ पिक्चर में ऐसे डायलॉग होते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं वो लोग कि बाप बेटी यदि एक साथ पिक्चर देखने गए हैं ना, तो वो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं कि बाप बेटी सुन नहीं सकते। हाँ या ना? अभी तक तो चित्र थे देखने वाले, अब तो सुनने वाले भी शब्द हैं, जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग पिक्चरों में हो रहा है खुलेआम धड़ल्ले से। तो अब ये मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं? लेकिन अब कौन मना करे, कौन सिखाए, किसे सिखाए? आज के जमाने में सब गुरु है, चेला कोई नहीं है, सब ज्ञानी है, यहां ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता, देना चाहते हैं लोग, इसलिए पतन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मर्यादाओं में नहीं रहता। हम यहाँ व्यास गद्दी में बैठ करके आप लोगों को रोज 3 घंटे कथा सुनाते हैं, लेकिन जो भी देखो हम आपको हंसाते भी हैं, आपसे मजाक भी करते हैं, आपको कथा भी सुनाते हैं, रुलाते भी हैं आपको कथा सुनाकर, हंसाते हैं, रुलाते हैं, ठहाके लगवाते हैं, लेकिन हर चीज आपने देखी होगी, हर चीज मर्यादा में, हंसना भी मर्यादा में और रोना भी मर्यादा में। किसमें है? मर्यादा में है। हमारे हर शब्द मर्यादित है या नहीं? क्या कोई मर्यादा की का उल्लंघन कर रहा है? नहीं। इसलिए आजकल स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए, हर रिश्ते के लिए मर्यादा, लेकिन आज कौन किसको कहे? आजकल कुछ लड़कियां कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं, जरा आप उनसे कह दो कि बेटा तुमने ये क्या पहन रखा है, तो वो क्या कहती हैं? तुम अपने देखने की दृष्टि ठीक करो, देखने का नजरिया ठीक करो। मतलब तुम पहनावा ठीक नहीं करोगी, सामने वाला नजरिया बदलता फिरे, ये क्या है आज के जब। मतलब वो लड़की ये कहना चाहती है कि अपना मुंह बंद रखो, हमें उपदेश करने की जरूरत, हम जैसे पहन रहे हैं ठीक है, भले वो मर्यादित हो या आम है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। समाज में रहना है तो मर्यादित रहो। हम पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। अभी मंदिर किनका बना? राम का नहीं,
मर्यादा का मंदिर बना है मेरी माँ। मर्यादा राम कौन है? मर्यादा है। जो राम को पूजता है वो मर्यादा को पूजता है, जो मर्यादा को, जो राम को पूजे और मर्यादा को ना माने तो वो काय का राम भक्त? राम भक्त कोई राम की जय जयकार करने से नहीं होता। राम का गुणगान कोई गाए तो कहे जी मैं राम, ना, राम के आचरण जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक कोई राम भक्त नहीं हो सकता। राम भक्त आचरण से बनेगा, जो आचरण राम के हैं वो उतारने से होगा। कोई राम राम जपने से राम भक्त ना हो जाएगा। तुम सारी जिंदगी राम राम जपो और मर्यादा का बिल्कुल पालन ना करो, तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, तुम अपने, तुम्हारी पत्नी है, तुम पड़ोसन को ताक झांक करते हो और तुम राम राम जप रहे हो, राम 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 राम, और पड़ोसन को देख रहे हो, आई क्या, राम 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 राम, गई क्या, राम 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 राम, अब जप रहे हो राम राम, तो तुम्हारे आचरण राम से मैच नहीं कर रहे हैं, रावण से मैच कर रहे हैं। तुम तो रावण रावण जपो, राम राम जपने से क्या होगा यदि तुम्हारे अंदर राम के लक्षण नहीं है तो। राम मतलब आचरण, राम मतलब, राम मतलब मर्यादा, राम मतलब पवित्रता विचारों की, चरित्र की, राम मतलब सत्य, राम मतलब आज्ञाकारी, राम मतलब एक पत्नी व्रता पुरुष, राम मतलब, राम मतलब क्या हुआ, एक पत्नी व्रता पुरुष। अब जिसकी 17 स्त्री है वो राम का आदर्श के योग्य है नहीं? राम मतलब पत्नी व्रता, सीता मतलब पतिव्रता, समझ रहे हैं? राम मतलब लीडर राजा, राम मतलब पुत्र, कैसा बेटा हो, बेटे की परिभाषा क्या होनी चाहिए, राम, राम जैसा बेटा। पूरे पुत्र की परिभाषाएं घटती हैं राम पर, एक पति की परिपति कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक राजा कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक लीडर कैसा, लीडर कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक भाई कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक पिता कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक मित्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा, एक भगवान कैसा होना चाहिए, राम जैसा। हर परिभाषा राम में खरी उतरती है, हर परिभाषा को राम ने जिया है। लेकिन आज के युग में, आज आप देखो ना साहब, आज हर जगह लोग बस फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे लोग तो तीर्थों में केवल सेल्फी फोटो खींचने आते हैं। बदल गया ना मेरी माँ थोड़ा हिसाब किताब। अनिरुद्धाचार्य के पास आने का मतलब क्या हुआ? आप सेल्फी लेके चले गए, फोटो लेके चले गए, इससे फोटो से कल्याण ना होगा। जो हम कह रहे हैं, हमारी बातों को हृदय में धारण करो, हमारी बातों को हृदय में धारण करके उसे चरितार्थ करोगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, आनंद होगा, सुख होगा। हमारी बातें हृदय में उतरेंगी तो काम बनेगा, हमारी फोटो मोबाइल पर होगी इससे काम नहीं बनेगा। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए जो कहा जाए, कहा जा रहा है उसे समझिए। और ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, हम जो कहते हैं आपको, जिस राह को बता रहे हैं, हम स्वयं उसी राह पर चलते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं, चल करके देखते हैं उन राह पर। इसलिए राम जैसी मर्यादा। तो आज से आप किस पे रहोगे, किस में रहोगे? अपनी अपनी मर्यादा। जैसे मेरी एक मर्यादा है, मैं अपनी, देखो मैं कथा सुनाने आता हूं तो रोज कंधे पर दुपट्टा रखता हूं। क्या है ये मर्यादा?
हम इतने कपड़े पहनने के बाद भी एक दुपट्टा रखना उचित मानते हैं कि कंधे पर एक अंग वस्त्र होना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां कुछ लड़कियां अपने कंधे पर दुपट्टा नहीं रखती, अब दुपट्टे की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी को। क्यों जरूरत नहीं है? जब अनिरुद्धाचार्य को दुपट्टे की जरूरत है तो भारत की बहन बेटियों को क्यों नहीं है जरूरत दुपट्टे की? ये दुपट्टा एक मर्यादा है, जिसकी नियत बुरी होगी, वो तो दुपट्टे से भी सब कुछ देख लेगा, लेकिन जिसकी नियत अच्छी है उस अच्छी नियत वाले के लिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। दुपट्टा किसके लिए डालना चाहिए? बुरे लोगों के लिए? बुरे लोगों के लिए काय का दुपट्टा? बुरे लोगों के लिए थोड़ी दुपट्टा डालना पड़ता है, अच्छे लोगों के लिए। क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो हम जब आपको देखते हैं और आपके दुपट्टा होता है तो आपको देखते हैं, आपकी शालीनता को देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं। और जब आपके पास दुपट्टा नहीं होता तो आंखें जाते ही आपको देखते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि देखने का नहीं, क्योंकि आंखें बंद रखो, क्योंकि हम तो मर्यादा में ही आपको देखना चाहते हैं। तो आपका भी तो धर्म है कि आप भी मर्यादा में दर्शन दो। ये बातें बहुत डीप में मैं समझा सकता हूं और गहराई में आपको ले जा सकता हूं इन बातों के रहस्य तक, लेकिन कोई लाभ नहीं है। हम कथा सुनाने बैठे हैं, आपको कथा सुनाएंगे, फिर भी मर्यादाएं। लोग अपने घर में ताला किसके लिए लगाते हैं? कि चोरी ना हो। तो क्या चोर जब चोरी करने आएगा तो ताला तोड़ने की टेक्निक नहीं जानता? ताला चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला ईमानदार लोगों के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार लोगों के अंदर चोरी का भाव पैदा ना हो जाए। इसलिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। माता माद्री पांडु की पत्नी, इसका एक ज्वलंत में उदाहरण देता हूं हर बात का, आपको बिना प्रमाण की कोई बात नहीं है। सुनो, पांडु की कितनी पत्नियां थी? दो। पहली पत्नी माता कुंती, दूसरी पत्नी माता माद्री। कुंती के तीन बेटे हुए, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से दो बेटे पैदा हुए, नकुल और सहदेव। पांडु को श्राप लग चुका था कि जब तुम अपनी पत्नी को काम भाव से टच करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात पता है? काम भाव से जब अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम मर जाओगे। क्या हुआ? धर्मराज पांडु ने अपने अंदर के काम को समाप्त करने का मन बनाया कि मैं काम को रखूंगा ही नहीं। वो सन्यासियों की तरह रहने लग गए, साधुओं की तरह। किसकी तरह? साधुओं की तरह। और जब साधुओं की तरह रहने लग गए तो एक दिन क्या हुआ कि वो साधुओं की तरह बिल्कुल हो भी गए कि तभी नदी से स्नान करके उनकी पत्नी माद्री आई। और माद्री कपड़े बदल रही थी कि साड़ी उन्होंने कंधे में रखा कि तभी जोर की हवा आई और हवा के झोंके से उनकी कंधे की साड़ी नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी तो उनका खुला हुआ बदन, उस बदन पर दृष्टि पड़ी, सामने पांडु बैठे थे। उस बदन पर दृष्टि पड़ी, वो आज वर्षों बाद जो ब्रह्मचारी बना घूम रहा है, जिसे ये श्राप लगा है कि तुम पत्नी को टच करोगे काम भाव से तो पता है उसे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब हवा के झोंके ने दुपट्टा गिरा दिया, कंधे से दुपट्टा खिसका दिया, तो पांडु
माद्री को देखकर, उनके शरीर को देखकर आकर्षित हो गए। उठकर चलते हुए माद्री के पास आए और माद्री का हाथ पकड़ लिया। माद्री को लगा कि मेरे पति तो मेरा हाथ रोज ही पकड़ते हैं, लेकिन वो रोज सामान्य भाव से पकड़ते थे, लेकिन आज उन्होंने जब दृष्टि से दृष्टि मिलाई तो पांडु के अंदर काम था। काम था तो माद्री हट गई। प्राणनाथ, आपको श्राप है, आप यदि मुझे स्पर्श करेंगे इस दृष्टि से आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु बोले, देवी भले मैं मर जाऊं, पर आज मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गया हूं। पूरा किस्सा दुपट्टा का था। यदि बहुत गहराई से बात सोचो तो यदि वो हवा के झोंके से कंधे का दुपट्टा ना खिसका होता तो ये तो ब्रह्मचारी बने घूम ही रहे थे, लेकिन खिसके हुए दुपट्टे ने वो पूरा काम बिगाड़ दिया और समाज को मैसेज दिया। शायद इतिहासकारों को ये पता था कि आने वाले कलयुग में दुपट्टा नहीं डालेंगे लोग, इसलिए तभी ये बातें बता दी समाज को, देखो दुपट्टा ना डालने का परिणाम क्या था। तब अब इन बातों की इतनी गहराई से सुनता कौन है, सुनाता कौन है, समझता कौन है और समझाता कौन है। माद्री के पास आए, पांडु ने स्पर्श किया, श्राप था, मृत्यु हो गई। और जब मरे तो माद्री बोली कि मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई, मुझे ही इनके सामने साड़ी नहीं बदलनी चाहिए थी। सामने क्या, थोड़ा दूर थी, पर नजर तो नजर है, दूर से भी पड़ गई। फिर माता माद्री उनके संग सती हो गई, कुंती रह गई ताकि पांच बच्चों का लालन पालन हो, वो बाद की फिर सब आपको ज्ञात है। तो केवल आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर के बच्चियों को ये टीवी इत्यादि में जो दृश्य है, सीन है, इनसे दूर ही रखा जाए। और आपके घर में आपकी बेटियां बड़ी हों, पढ़ें लिखें, योग्य बने। पढ़ने लिखने योग्य बनने में थोड़ी बुराई है, पर समाज में मर्यादा के साथ जिए, मर्यादा के साथ रहें और मर्यादा के साथ ही मरें। जीवन कैसा हो, मर्यादित हो तो क्या बुराई है। गांव की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां आज भी अपना सिर ढक के रखती हैं। आप सिर ढक के रखो, इसके लिए हम आपको कोई थोप नहीं रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि घूंघट डालो और सिर में पल्ला, हम कोई आपके जेठ थोड़ी लगते हैं, और ना हमें ये सब कहने का अधिकार है। हम तो केवल ये कहते हैं कि हमारी बहनों के एक दुपट्टा होना चाहिए मर्यादा का। क्यों जी, कितने लोग सहमत हैं इस बात से। तो महाभारत का जो युद्ध है मर्यादा सिखाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इसका एक मूल कारण और भी था कि महाभारत के युद्ध में यदि धृतराष्ट्र सही सही बंटवारा कर देते, पांडवों का पांडवों को दे देते, कौरवों को कौरवों का, तो भी महाभारत ना होता। दूसरा रीजन था बंटवारा। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मरने के पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा करके ही मरिएगा। यदि बंटवारा सही नहीं हुआ तो महाभारत होगा। 99 कौरव मारे गए। अश्वत्थामा द्रौपदी के पांच पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। भीम भैया ने जब दुर्योधन की जंघा तोड़ी, सेनापति नियुक्त कर दिया गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उस समय उसे सुख हुआ, दुख हुआ, दोनों की संधि में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु अर्जुन ने देखा कि मेरे पुत्र
का हत्यारा अश्वत्थामा है, कृष्ण को सारथी बनाकर मारने पकड़ने गए तो अर्जुन को मारने ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। भगवान की शरण में अर्जुन आए और कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दहियमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र जब चलाए भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया, द्रौपदी तुम्हारे पुत्र का हत्यारा सामने है, जो दंड देना चाहती हो दो। द्रौपदी ने कहा कैसे, मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित होंगे? बोले नहीं, तो इसे क्यों मारना? द्रौपदी के अंदर दया है। देखिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, दया कभी मत छोड़ो। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, इसलिए दया ना छोड़ो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी के अंदर करुणा है ना, दया, और दया किसके अंदर होती है? सबसे ज्यादा दया किसके अंदर? मां के अंदर दया होती है। और जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए वो दया, हाँ द्रौपदी एक मां है, पांच बेटे के मरने के बाद भी बोली कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे बच्चे आएंगे? द्रोणी और रोएंगी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी द्रौपदी जैसी माँ, द्रौपदी जैसी दयालुता उदारता कहाँ होगी? धन्य हो द्रौपदी माँ, इसलिए द्रौपदी माँ को बारंबार नमन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। सबसे ज्यादा दया माँ के अंदर होती है, इसलिए आप में से कितने लोग अपनी अपनी माँ की सेवा करते हैं? माँ की सेवा, माँ का आदर, माँ का सम्मान। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
अखियां दुखन लागी है माँ तेरी अखियां। माँ की आंखें बच्चों के लिए रोते रोते सूज जाती हैं। माँ के आंसुओं जितने आंसू माँ ने आपके लिए बहाए हैं, कई बच्चे तो उतने गिलास पानी भी अपनी माँ को बुढ़ापे में नहीं पिला पाते जितने आंसू माँ ने बहाए। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे हो, अपनी निंदिया भी हो होने वाली है। ओ माँ का अपना कोई सुख नहीं और माँ का अपना कोई दुख नहीं, हंसती है बच्चों के लिए, रोती है बच्चों के लिए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया काई हो, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने से हो, मेरे रोने पे हो तू बलिहारी है। ओ मां की जान। लेकिन वही लड़के जो अपनी माँ को जान कहते हैं ना, थोड़ा जवानी आने दो, वो किसी और को अपनी जान कहने लगेंगे और किसी और जान पर अपनी जान छिड़कने लग जाएंगे। इसलिए माँ की थोड़ी आरती, भोले के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चल पे वारू भोली आरती उतारूं हो।
भोले बाबा, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोले बाबा। ओ वाले वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, सबकी जान है, मां की सेवा करो, मां की आरती उतारो, मां ही भगवान है। आजकल बच्चों ने अपने मां बाप का जितना सम्मान करना चाहिए उतना सम्मान नहीं करते। मां बाप के हिस्से का सम्मान, मां बाप के हिस्से का आदर मां बाप को मिल ही नहीं रहा है, बड़ी विडंबना है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। ओ मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। आज हम जो कुछ बताइए, माँ बाप ने जन्म ना दिया होता, पाल पोस कर बड़ा ना किया होता, हमारी माँ हमें बताती है कि जब हमारा जन्म हुआ था
तब हम बिल्कुल ऐसे दुबले पतले थे, सब लोग कह रहे थे कि ये बच्चा तो अब आया है, बस दो चार दिन में ही चला जाएगा। जब हम पैदा हुए थे ना तो बहुत कमजोर थे, सारे लोग बोलते थे कि ये रहेगा नहीं, पर हमारी माँ बोलती थी कि नहीं नहीं हमारा बेटा रहेगा। और देखो दुनिया जिसे कमजोर कह करके शायद उसके जीने की उम्मीद ना करे, पर माँ एक ऐसी होती है जो सदा अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करती है, और जो बनता है माँ सब कुछ करती है। बच्चों के लिए माँ किससे नहीं लड़ जाती, बच्चे ही माँ की दौलत है। इसलिए यदि माँ अपने बच्चों को अपनी दौलत मानती है तो बच्चों का भी धर्म है कि वो अपने माँ बाप को अपनी दौलत माने। हमारे माँ बाप हमारी संपत्ति है। इसलिए कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, तो कोई आपने पिक्चरों के डायलॉग आपने सुनी होंगे, मेरे पास गाड़ी बंगला तेरे पास क्या, तो जब ये दास अनिरुद्ध से कोई पूछता है तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास 275 माताओं का आशीर्वाद है और लाखों माएं जो घर में बैठकर कथाएं सुनती हैं और ये दास अनिरुद्ध को अपना आशीर्वाद देती है। तो माँ है तो आप अमीर हो, कहो कि आप अमीर हैं, और माँ नहीं आपके पास तो आप सबसे गरीब हैं। कागज के टुकड़े बहुत जोड़ लो साहब, क्या फर्क पड़ता है। आज इंसान ना भूल गया है इंसानियत। जिस माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया, माँ केवल माँ नहीं बाप, माँ और बाप ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है एक संतान के पालन में। माँ एक माँ होती है जो रात रात जागती है बच्चे को सुलाने के लिए, एक माँ होती है जो बच्चे के कपड़े बार बार बदलती है, बच्चा छोटा सा कपड़े पे ही मलमूत्र करता है, बिना घिन किए बिना नाक पकड़े बच्चे का मलमूत्र धोती है माँ। उसे कोई बदबू के कारण वो आपसे नफरत नहीं कि नहीं जी अब ये कौन गंदगी साफ करेगा, नहीं, माँ ईश्वर का अंश है। आप एक बात बताओ, जितना आप अपने बच्चे का करती हो क्या किसी दूसरे के बेटे का इतना करोगी आप? नहीं करती ना। एक स्त्री भी केवल अपने बच्चे का करती है, दूसरे का नहीं करती। दूसरे का किसी मजबूरी है कभी तो करती भी है, लेकिन 99% सिर्फ अपने बच्चे का करती है वो। क्यों? क्योंकि जब स्त्री के पेट से बच्चा बाहर आता है तो केवल बच्चा ही नहीं आता, उस समय कोई और भी आता है, जानते हैं आप। अच्छा बताओ मैया, आप जब आप सिर्फ पत्नी थी मां नहीं थी, तब और जिस दिन आप मां बनी, तो मां बनते ही आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी, कौन सा बदलाव था जो आया, जो बच्चा पैदा होने के पहले नहीं था और होने के साथ ही आ गया, वो क्या था बताओ? क्या था? हाँ हाँ हाँ, मां के अंदर बच्चा पैदा जब नहीं होता, एक स्त्री जब मां नहीं बनती तो उसके अंदर उस तरह से ममता नहीं होती, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस स्त्री के अंदर ममता जाग जाती है उस बच्चे के लिए। ये जो ममता मई है ये वो स्त्री नहीं है, ये ममता कौन?
भगवान ही उस ममतामयी माँ के रूप में प्रकट हो गए हैं। अब ये ममता के रूप में ये माँ, अब वो पहले वाली स्त्री नहीं रही, अब ये भगवान में तब्दील हो गई है। अब इसके आचरण भगवान वाले हो गए हैं। अब इसके आचरण कैसे हो गए हैं? भगवान वाले। भगवान जितना दयालु होता है, लड़कियां, आप किसी और बच्चे को लड़कियों को दे दो, कहो कि रात भर सुलाना इस लड़के बच्चे को अपने साथ, जरा छोटा सा है, दो एक महीने का, कोई लड़की नहीं सुला सकती। लेकिन वही लड़की जब मां बनेगी, क्योंकि अभी उसके अंदर ममता नहीं है, वो जबरदस्ती सुला रही है, मजबूरन है, तो वो अलग विषय है। लेकिन वो जो नेचुरल ममता वाली बात होगी, वो बात नहीं आएगी। हाँ या ना? वो तब ही आएगी जब कोई माँ बनेगी। माँ, क्योंकि माँ जब बनती है तो उसके अंदर जो ममता जागती है, जो ममता आती है, वो ममता के आते ही भगवान उस ममता के रूप में उस स्त्री के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और वो माँ, वो स्त्री जो पत्नी थी, अब वो पत्नी से किसी बच्चे की माँ बनती है। और जब जन्म होता है बच्चे का, तो सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं, एक माँ का जन्म होता है, और वो माँ ईश्वर है। इसलिए वो माँ को पहचानो। और माँ जब मंदिर लेकर जाती है ना आपको, तो माँ ऊपर करती है, आपको ऊपर उठाती है दोनों हाथ से, लो देख लो जल्दी भगवान जी को। वो भले ना देख पाए भगवान को, पर अपने बच्चे की आंखों को भगवान की आंखों से मिलाने का प्रयास करती है कि एक दृष्टि तेरे ऊपर भगवान की पड़ जाए। इसलिए माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आजकल के बच्चे पता नहीं माँ की सेवा क्यों नहीं करते। जो माँ की सेवा नहीं करता, उसके लिए सदा सदा के लिए मोक्ष के दरवाजे भगवान बंद कर लेते हैं, तो मोक्ष का अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने अपनी माँ की सेवा नहीं। माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। कि तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआएं सबसे बड़ी हैं साहब। अनिरुद्धाचार्य पर क्या है, केवल माताओं का आशीर्वाद है, केवल माओ की दुआएं। माओ का आशीर्वाद, माओ की दुआएं बहुत बड़ी होती हैं। मेरी माँ समझ नहीं रहे हैं ये बच्चे आजकल के, माँ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। माँ बाप का बहुत हल्के में ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि तो ऐसे ही है ना। भगवान राम की तीन माताएं हैं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। राम भगवान कृष्ण की दो माएं, देवकी माँ और यशोदा माँ, और अनिरुद्धाचार्य की 275 माताएं हैं। आपकी कितनी है बोलो मेरी माँ? एक। और हमारी
तो जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा है? इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं? हमें कितने नंबर दोगे आप लोग? गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्ध माओं की सेवा केवल इसलिए हो रही है कि इन सेवाओं के होते हुए देखकर, इन सेवाओं को होते हुए देखकर आप भी सेवा करने का संकल्प लें और ये सीखें कि यदि अनिरुद्धाचार्य 275 माओं की सेवा कर सकता है तो आप अपनी एक वृद्ध माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं, आप अपनी एक माँ का सहारा तो बन ही सकते हैं। इसलिए इंसानियत का पाठ पढ़ाया जा रहा है गौरी गोपाल आश्रम से। यदि आप पढ़ सको तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहां जो कुछ यहां पढ़ाया जाएगा वो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। जो यहां पढ़ लोगे वो कहीं नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए यहां पढ़ लो, अपने बच्चों को यहां लाया करो, यहां सेवा की शिक्षा मिलेगी। और एक बात आपने गौर की हो ना की हो, ये सही है, गौरी गोपाल आश्रम की प्रत्येक सेवा अनुकरणीय है या नहीं? अनुकरणीय है कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से जो यहां सेवाएं चल रही हैं, पूरी दुनिया इन सेवाओं की सराहना कर रही है, पूरी दुनिया इन सेवाओं का लोहा मान रही है। कोई देखो एक दिन दो दिन कोई करे तो ठीक है, पर सदा वर्षों से अखंड सेवाएं चल रही, एक भी दिन नागा नहीं। और हम तो यही चाहते हैं कि जब तक प्राण रहें तब तक ये सेवा इसी तरह बिहारी जी चलाते रहें, और प्राण ना रहें तो भी बिहारी जी अपना कार्य इसी तरह से कराते रहें। कोई वृंदावन में आवे और गौरी गोपाल की चौखट पे आवे तो गौरी गोपाल भगवान का पक्का वादा है आपसे कि गौरी गोपाल भगवान का विश्वास है कि वो आपके, यदि आप गौरी गोपाल आए हैं तो बिहारी जी गौरी गोपाल भगवान आपको भूखा नहीं जाने देंगे, यहां से पेट भर के ही आपको जाना है। सबके लिए द्वार खुले हैं, ये गौरी गोपाल भगवान ऐसे हैं जो सबको गले लगाने के लिए हाथ फैलाए हैं, कोई भी आओ सबको गले लगा रहे हैं। इसलिए आप भी अपनी अपनी सहभागिता दीजिएगा और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से आप अपने आप को भी जोड़िएगा। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं, कोई भी साधु आए कोई भी संत आए सबके लिए दरवाजे खुले। आप लोग देखते हैं अपनी आंखों से, आज एकादशी है ना, आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी आप सबको मनवांछित फल देने वाली है और इस एकादशी में ये संकल्प लीजिएगा कि आप किसी संत को किसी वृद्ध माँ को सहारा देंगे, दो रोटी का सहारा, जगह स्थान का सहारा। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र बटता हजारों साधु व्रत में खाया जाता है वो, तो एकादशी में सबको फल फूल सबको फलाहार मिल रहा है, आप भी अपनी ओर से एक दिन की प्रसादी बटवाकर पुण्य के भागीदार बनना, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बटवाओ, आप भी इन संतों को अपनी ओर से भोजन कराओ, एक संत 10 संत 20 संत को 50 संत को। संतों के लिए एक संत निवास बनाने की अत्यधिक आवश्यकता आन पड़ी है कि संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं बेचारे। अच्छा बताओ कि आज संतों को संत निवास की जरूरत है या नहीं? आज ना मैया आपने देखा होगा संत लोग अब खत्म होते चले जा रहे हैं, पहले गांव गांव में संत खूब दिखते थे, अब नहीं दिखते। जानते हैं क्यों? क्योंकि गांव में किसी के घर संत भिक्षा मांगने आते हैं तो गांव वाले, मतलब गांव वाले नहीं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि तुम कमा के खा नहीं सकते। अरे भाई साधु बना है
तो कमाएगा क्यों, वो तो भजन करेगा, जो मिल जाएगा सूखा रूखा खाएगा, भगवान का चिंतन करेगा। ये परंपरा है साधु शाही, साधु भिक्षा ही मांगता है। साधु क्या मांगता है, जोर से, कमाता है तो गृहस्थ आप कमाओ ना, कमाओ आप और द्वार पे आए साधु को दो, यही गृहस्थ आश्रम है। लेकिन आप लोग देते नहीं, उपदेश कर देते, तुम कमा के खा नहीं सकते। इसलिए अब साधु संतों ने भी गांव शहर का रुख छोड़ दिया है, अब साधु संत केवल तीर्थों में ही मिलते हैं। अब इसलिए साधु संत अब धामों में ही रह रहे हैं, पर धामों में भी अब रहने की स्थिति नहीं, कहां रहें, फुटपाथ पर सोते हैं बेचारे। भोजन की बड़ी दिक्कत थी संतों को, पर जब से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चालू हुआ, पूरे वृंदावन के साधु संत आकर जो जरूरतमंद है सब गौरी गोपाल भगवान में प्रसादी पाते हैं, सब आओ सब खाओ। और अब संतों ने कहा कि हमारे रहने की व्यवस्था, तो हमने कहा चिंता न करिए, राधा रानी की कृपा है, आप उनकी शरण में हैं, तो शायद श्री राधा रानी श्याम सुंदर हमसे और आपसे ये कार्य कराना चाहते हैं कि अब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के साथ साथ अब गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है। जहां गौशाला है ना, गौरी गोपाल संत निवास के लिए आप भी भूमि दान करके संतों के लिए बनने जा रहे संत निवास में सहयोग कर सकते हैं। एक गज दो गज पांच गज भूमि देकर, भूमि दान करके आप भी संत निवास की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। जो वृद्ध पिता है, कई बार बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है, ऐसा नहीं बाप को भी निकाल देता है, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए भी अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। जो वृद्ध पिताओं माओ के साथ साथ पिताओं की सेवा अब होगी, और आपके आपको इसके लिए थोड़ी सी भूमि दान करनी होगी, तो आप एक गज दो गज, एक पग दो पग, आप भी संत निवास के लिए एक दो गज भूमि दे सकते हैं, यदि इस लायक है तो भूमि दान करके पुण्य के भागीदार। क्योंकि यह दास अनिरुद्ध है, जो कहता है वो आपको करके बताता है, इसलिए आपका सहयोग सेवा से जुड़े। और जो आप देते हैं, अब देखिए ये गौरी गोपाल आश्रम जिस पर आप बैठे हैं, ये जब शुरू बनने के पहले जब ये जगह ली गई, तो हमने सबसे कहा कि आप भूमि दान कीजिए वृद्ध माओ के लिए। लोगों ने सहयोग किया और लोगों के सहयोग से ही ये भूमि लेकर फिर इसमें ये वृद्धाश्रम तैयार हुआ। तो जिस जिसने भूमि दान किया होगा, आज ये वृद्ध माओ के रहने का पुण्य उनको अपने आप मिल रहा होगा कि नहीं, जिन्होंने दिया होगा। और हमारे और आपके ना रहने पर भी आप जो एक पुण्य करके चले जाते हैं, आप तो भूल जाते हैं, लेकिन उस पुण्य का फल आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को मिलता रहता है बहुत लंबे समय तक। पुण्य कभी मिटता नहीं है मेरी माँ। आप एक बात याद रखो कि आपने एक धर्मशाला बनवा दी, तो एक धर्मशाला जब बनवाई आपने, तो आप भले धर्मशाला बनवा के चले गए, पर जब जब लोग भक्त आकर उस धर्मशाला में विश्राम करेंगे, कोई भगवान का नाम जपेगा, कोई तीर्थ आएगा और उसे वहां ठिकाना मिलेगा, तो उसका पुण्य वो उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसने वो धर्मशाला बनवाई थी या जिसने उस धर्मशाला में सहयोग किया था। इसलिए आप भी एक गज दो गज भूमि दान करके इस पुण्य के, क्योंकि ऐसे पुण्य का अवसर भी बार बार नहीं मिलता, तो आप भी सेवाएं कीजिए संतों के लिए, भूमि दान देकर सहयोगी बनिए। अन्न दान भी कर सकते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चलती है, वृंदावन में आने वाले जितने भक्त हैं कोई भी आओ, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि वृंदावन में कोई कभी भी कहीं भी आए पर प्रसादी पाने गौरी गोपाल आश्रम, आप सभी लोग आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। और ये बताइए कि बाजार में जो पैसों से प्रसाद मिल रहा भोजन, उससे अच्छा यहाँ सबको गौरी गोपाल प्रसाद मिल रहा है कि नहीं, ये बात सही है? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की पाई, तो बाजार की प्रसादी अच्छी थी कि ये, तो ये प्रसादी में कोई पैसा खर्च हुआ आपका नहीं,
निःशुल्क प्रसाद बट रहा है सबको, सवेरे से लेके रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात के 2 बजे भी कोई आता है तो गौरी गोपाल आश्रमों से भरपेट भोजन मिलता है। 2 बजे रात को भी कोई आए तो उसे मिलता है। अखंड सेवा है ये, 24 घंटे ही मानिए से। तो ये रसोई की सेवा, एक दिन की सेवा भी आप करते हैं तो निश्चित बहुत बड़ा पुण्य आप करते हैं, क्योंकि हजारों भक्त भोजन करते हैं आपके सहयोग से। आप भी जरूर अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, बुजुर्गों की पुण्यतिथियों पर आप भी ये एक दिन का प्रसाद बंटवाओ, एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडार अपनी ओर से कराओ, रसोई सेवा कराओ। एक दिन का ये आप भी सहयोगी बनकर सेवा से कार्य से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया। 275 माएं वर्तमान में यहाँ हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया इन वृद्ध माओं का? गौरी गोपाल आश्रम में ये माएं आप सब देखते ही हैं। बेटा सेवा नहीं करता तो ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर माओं की सेवा करता। मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, शायद मुझे सेवा करना अच्छा लगता है इसलिए भगवान ने मुझे ये सेवा का कार्य सौंपा है। बचपन से मैं सेवा करने का, मुझे शौक थी सेवा करने की, सबको भोजन कराने की शौक थी, पेट भर खिलाओ, मैं खिलाने पिलाने का बहुत शौकीन था, सबको पेट भर मैं बना के भी खिलाता था। मेरे से भोजन बनाना आता है पता है आपको? ये दास अनिरुद्ध भोजन बना लेता है, खूब बनाते थे बचपन में, खूब भोजन बनाते थे। जब हम अपने गुरुकुल में पढ़ते थे तो भोजन बनाते थे सबके लिए, एक एक बोरा आटा, एक एक कुंटल आटे की रोटी में एक बार में एक बैठक में बना लेता था, रोटी बेलना। सवेरे 7-8 बजे से रोटी बेलना जो स्टार्ट करता था तो 2-1 बजे तक रोटी बेलना पड़ता था, बेलते ही रहो। मैं बेलता था रोटी, दाल सब्जी बनाता था, चावल बनाता था, सब। आप भी अपने बच्चों को ये भोजन इत्यादि बनाने का हुनर सिखाओ, सीखो। भोजन बनाना अच्छी बात है, और याद रखना हम भोजन बनाते हैं, हमें भोजन करने में ज्यादा मजा नहीं आता, भोजन कराने में ज्यादा सुख मिलता है कि हम क्या क्या खिलाएं आपको। इसलिए भगवान ने भोजन कराने की सेवा ये दास को सौंपी है। भगवान सब कुछ देखते हैं, पहले भगवान व्यक्ति की नीति देखते हैं, पहले भगवान व्यक्ति की नियत देखते हैं कि आपकी नियत में खोट तो नहीं है, तब फिर भगवान कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देते हैं। भगवान ने दास अनिरुद्ध को यदि ये जिम्मेदारी दी है तो दास अनिरुद्ध की नीति और नियत को देखा होगा, और हमारी नीति यही है कि आप में से कोई भी आए तो भूखा ना जाए, और नियत ये है कि जो हम खाते हैं उसी क्वालिटी का भोजन आपको खिलाएंगे, और यही जो हम खाते हैं सबसे बेस्ट चावल जो होता है बाजार में, सबसे बढ़िया चावल बाजार में क्या होता है? बासमती। आप जाके चेक कर लीजिएगा, वही क्वालिटी का चावल बासमती ही आप सबको परोसा जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। जो खाते हैं हम, खाएं कुछ और खिलाएं कुछ और तो कपट हो जाएगा साहब। मेरे भगवान कहेंगे अनिरुद्धाचार्य तुमने हमारे भक्तों के साथ कपट किया, आश्चर्य मानेंगे। जिस क्वालिटी का देसी घी हम खुद खाते हैं उसी क्वालिटी का देसी घी आप लोगों को रोटी चुपड़ करके मिलता है सबके लिए, सारे भक्तों के लिए रोटी में देसी घी। बाजार में 400 रुपया लीटर भी घी मिलता है, 500 रुपया लीटर भी घी मिलता है, 600 रुपया लीटर भी घी मिलता है, पर आप चेक कर लेने यदि मेरी बात झूठी लगे तो, जो बाजार में नहीं सीधा गायों की जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं वहां से आपको मैं बिल दिखा सकता हूं, 750 रुपए लीटर जो घी है सबसे उत्तम कोटि का, रोज यहां पर कितना घी लगता है पता है आपको?
लगभग 50 किलो घी रोज लगता है, लगभग 50 किलो घी रोज लगभग, और कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ ज्यादा कम। तो रोटी में घी 750 रुपए किलो वाला, क्यों? हम 400 रुपया किलो वाला घी भी तो आपको रोटी में चुपड़ के दे सकते हैं, आप मना थोड़ी करोगे। लेकिन नहीं, भगवान जब पूछेंगे कि तुमने मेरे भक्तों से कपट किया, ना तो भगवान कहते हैं मैं मेरा अपराध करोगे सह लूंगा, भक्तों का नहीं। इसलिए दास, आप कौन है मैं जानता हूँ, आप कौन है? भगवान का भक्त भगवान ही होता है, भगवान का भक्त भगवान। तो आप लोगों के रूप में कौन आए? गौरी गोपाल आश्रम कौन आता है? आप लोगों के रूप में भगवान ही आते हैं गौरी गोपाल आश्रम, ना जाने किस रूप में। यदि ये लाइन सही है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो फिर आप लोगों के रूप में कौन है? भगवान। तो फिर जो खाएंगे वही तो भगवान को खिलाएंगे ना। इसलिए जिस क्वालिटी की दाल, जिस क्वालिटी की सब्जी, जिस क्वालिटी की कढ़ी, ये दास अनिरुद्ध नीति और नियत, नियत इसी को कहते हैं। हमारी नियत में खोट होता तो आपको बासमती चावल क्यों खिलाती? 40 रुपया किलो वाला चावल ना खिलाती? भंडारा में तो आदमी यही परोसता है। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य है कि मेरे भक्त भगवान के भक्त हैं, और मुझे तो भगवान ने भक्तों की सेवा दी है, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। भगवान किसी को अपनी सेवा देते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को भगवान ने अपने भक्तों की सेवा दी है। तो भगवान ने मुझे क्या दी है? आप लोगों की, जोर से तो बताओ, आप लोगों की सेवा ये दास ठीक कर रहा है कि नहीं? तो फिर आप लोग भी इस सेवा से यदि चाहो तो जुड़ जाओ। आप भी चाहो तो घर से आया करो तो 1 किलो 2 किलो देसी घी ले आया करो कि आज हमारा भी रोटी में घी लगेगा, ले आ सकते हैं आप लोग। और सुनो, डालडा मत ले आना, हम अपने भक्तों को डालडा नहीं, ना तो भगवान को डालडा खिलाते और ना भक्तों को डालडा खिलाते। जो करेंगे तो अच्छा करेंगे, सबसे उत्तम काम चलाऊ नहीं, गीदार बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़िए साहब, आइए अपनी आंखों से देखिए। वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल जरूर आओ, और वृंदावन आओ तो मंदिरों में भगवान का दर्शन करने जाओ, और गौरी गोपाल आओ तो सेवा का दर्शन करने आओ। किसका दर्शन करने? सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, और सेवा ही है धर्म हमारा। आप सब गौरी गोपाल आश्रम में, जो वृद्धाश्रम बन रहा है, आप भी इस बनते हुए आश्रम में वृद्ध माओं के लिए 1 ईंट 10 ईंट 100 ईंट का सहयोग कर सकते हैं। इस बनते हुए निर्माण में आप भी जुड़े और पुण्य के भागीदार। सीमेंट का सहयोग, माओ को कमरा बनवा कर दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, किसी एक वृद्ध माँ को गोद लीजिए, इन माओ को भोजन दीजिए कि आज हमारी ओर से माओ को भोजन मिलेगा, 275 माओ को। आप अपनी ओर से सेवा कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप आए हैं तो आश्रम के निर्माण, जो गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है, 1000 वृद्ध माओ के लिए आप 1 ईंट का ही सही सहयोग कीजिए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें, फिर नाम सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। सब बैठे ही रहेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए दिया है, भगवान गौरी गोपाल भगवान सदा उन्हें देते रहें और उनकी झोलियां भरती रहें। और याद रखिएगा, जो धर्म करता है उसका धन कई गुना बढ़ता है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में आप 1 दिन की जल सेवा भी कर सकते हैं कि आज हमारी ओर से जब 30,000 लोग भोजन करते हैं तो 30,000 लोग पानी भी तो पीते होंगे ना,
तो एक दिन की जल सेवा भी आप कर सकते हैं। आइए कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, नाम श्रवण करते हैं। श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी सेवाएं सिद्धांत बदावर में चल रही है, जिन सेवाओं के बारे में सद्गुरुदेव भगवान ने बताया। जब सोचिए, सुनकर के इतना अच्छा लगता है, जब हम अपने हाथों से करेंगे तो कितना आनंद की अनुभूति हमें होगी। आइए, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं, इस आनंद की अनुभूति यहाँ वृंदावन में अपने हाथों से सेवा करते हुए जरूर करते हुए जाएं। आइए, नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं। ऐसे में निवेदन करूंगा आप सभी के चरणों में कि आप भी इन पावन सेवाओं के लिए अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं, इन सेवाओं से जुड़े और पुण्य लाभ अर्जित करें। एकादशी का बड़ा ही सुंदर आज का पावन पर्व है और पाप मोचनी आज एकादशी है। ऐसे में कहते हैं कि पापों का नाश हो जाता है, क्षय हो जाते हैं और जब हम पुण्य कमाते हैं। तो आइए, थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे और अपने जीवन के पापों को भगाएंगे और अपना नाम बिहारी जी के चरणों की सेवा से, माओ के चरणों की सेवा से जोड़ करके जाएंगे। आज की श्रेणी में श्री गौरी गोपाल संत सेवा के लिए 11,000 रूपए, गौरी गोपाल रसोगी पावन सेवा के लिए 31,000 रूपए, गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए 11,000 रूपए, व्रतमाताओं की रसोई सेवा के लिए 21,400 रूपए, व्रतमाताओं की आजीवन सेवा के लिए तीन माओ के लिए 42,000 रूपए, बंदर सेवा के लिए 11,000 रूपए, गौमाताओं के गुड़ की सेवा के लिए 10,201 रूपए, गौमाता की रोटी सेवा के लिए 11,000 रूपए, गौमाता के लिए गौचर भूमिदान के लिए 20,401 रूपए। ऐसी श्रेणी में एक कमरे की छत के लिए जो माओ के लिए बन रहा है उसके लिए 51,000 रूपए, गौ माता की आजीवन सेवा यानी कि जीवन भर के लिए सेवा के लिए गोदान के लिए 50,000 रूपए, और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो यहाँ अभी प्रतिष्ठित होने वाले हैं उसके लिए भी 51,000 रूपए। टोटल 3,21,000 रूपए का योगदान श्रीमती सरोज जी बोरार मुंबई दे रही। एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है, चाहे वो संत सेवा हो, रसोई सेवा हो, गुरुकुल की पावन सेवा, व्रतमाताओं की सेवा, व्रतमाताओं का सहारा, बंदर सेवा, गुड़ सेवा, गौचर भूमि, जितनी भी सेवाएं चलती हैं उन्हीं सभी सेवाओं के लिए थोड़ा थोड़ा अपना योगदान निकाला है और 3,21,000 रूपए का योगदान देते हुए अपना नाम सबसे ऊपर किया है। एक बार पुनः जोरदार तालियां श्रीमती सरोजी बुरार मुंबई से आप जुड़ रही हैं। आइए, इनसे थोड़ी सी प्रेरणा हम भी लेंगे, इन्होंने इतना किया है, अगर हम थोड़ा कर सकते हैं तो क्यों ना थोड़े के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा पुण्य हम कमा लें और अपने आप को इन पावन सेवाओं से जोड़ लें। आइए, इन माओं का सहारा बनेंगे जो माए आज हमारे परिवार में है। मात्र 21,000 रूपए के योगदान से किसी एक माँ का सहारा आप भी बन सकते हैं। इसी के साथ में माओ की भोजन प्रसाद की सेवा भी आप अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की पावन सेवा, जहाँ हजारों संतों को नित्य प्रति भोजन प्रसाद निःशुल्क मिलता है, ऐसे में एक दिन की सेवा का लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपने हाथों से भोजन प्रसाद पवा सकते हैं। इसी के साथ में इन संतों को आप संपूर्ण संतों को नहीं पवा सकते हैं, 100 संतों के लिए, 50 संतों के लिए, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम किसी एक संत के लिए तो आप अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा ही सकते हैं। जैसे महेश चंद्र जी, अतुल जी कुमार, आपने मोरेना से 11,000 रूपए संत सेवा के लिए दिए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की तरह आप भी संत सेवा से, रसोई पावन सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। बड़ी सुंदर पावन रसोई यहाँ चलती है, एक दिन की सेवा आप भी अपने हाथों से करें और हजारों लोगों को अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से भोजन प्रसादी पवाते हुए अन्नदान के इस महादान के माध्यम से अपने आप को जोड़े और पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी के साथ में गवायों की पावन सेवा, बंदर सेवा और इसी के साथ में निर्माण कार्य की पावन सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। संतों के लिए सुंदर से आश्रय के निर्माण कार्य के लिए, जैसा कि सद्गुरु भगवान ने बताया, अगर आप सामर्थ्यवान हैं भूमिदान करने के वृंदावन जैसी पावन धरा पर, तो आप भूमिदान जरूर करें इन संतों के लिए, पावन सेवा के लिए। इसी के साथ में जो यहां निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है, रात दिन ये कार्य चल रहा है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नागा, बिना किसी छुट्टी के, और यहाँ 1,000 माओ के सुंदर सा आश्रय बन रहा है। आश्रय क्या, मैं तो मंदिर कहता हूँ, क्योंकि यहाँ सेवा भी माओ की होती है और पूजा भी माओ की होती है। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिन्होंने इतना सुंदर माओ के लिए इतना मंदिर बनाया है और इस भव्य मंदिर में हमारी व्रतमाताएं रहेंगी। आइए, व्रतमाताओं का सहारा तो बनेंगे ही, इस आश्रय स्थल से भी अपने आप को जोड़ेंगे। अगर आप एक ईंट देने लायक हैं तो एक ईंट का योगदान दें, अगर आप अत्यधिक दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का योगदान हो, अपने हाथ आगे आप जरूर बढ़ाएं, पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी श्रेणी में
निर्मला भाई जी श्री जगत राम जी महासुमन से 5100 रुपए, कमला देवी जी विजय से, सील देवी बेतिया बिहार से 5100 रुपए, विजय गुमला जी कोट क्षेत्र से 11000 रुपए, चंद जी आमन जी चंडीगढ़ से विजय से, मोनोटेन भिलाई से आप विजय से, जसवीर जी चंद्रा पठानकोट से 5000 रुपए। इन दानवी महापुरुषों के नाम सुनकर के आपका भाव आया, आपका भी भाव जागे तो अपने योगदान के हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। काउंटर यही लगा है, आश्रम में भी लगा है जहां प्रदाताओं के आप लोग दर्शन करते हैं। जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और क्यूआर कोड देखा जाता ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। 12 अप्रैल से भागवत जी के पाठ यहाँ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। भगवान ने अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे विदा किया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की भी। इसके बाद उत्तरा के गर्भ को बचाया, अश्वत्थामा को दंडित किया भगवान ने। कुंती स्तुति, कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दे दिया। भीष्म पितामह पर कृपा हुई, भगवान द्वारिका गए जहां सम्मान भगवान का हुआ, परीक्षित जी का जन्म। और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा, भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। एक संत का अपमान, एक गाय को एक काला सा व्यक्ति मार रहा था। पूछा परीक्षित जी ने, तुम कौन हो? उसने कहा, कलयुग हूँ। कलयुग को 4 कमरे, द्यूतम पानम, स्त्री, सोना दिया, बेईमानी से कमाए धन में भी। कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी। समीक जी का अपमान, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया तो श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। इति लंगित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमी हनि। राजा परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में मरना है। घर परिवार छोड़कर जन्मेजय को राजा बनाकर शुकताल गए और वहां शुभ सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान का पूजन किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का पूजन किया, हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले, भगवत चिंतन, भगवान की कथा सुनो। आगे की चर्चा कल 3 बजे से फिर कथा होगी, आप सुनिएगा। यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं आप। अभी 7 बजे, 7:30 बजे के लगभग प्रश्नोत्तरी होगी। आप अपने यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालेंगे, प्रश्नोत्तरी भी लाइव सुन पाएंगे। आरती करते हैं, आगे की चर्चा कल। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ॐ मामचन्द्र नामनसौर्जातसिन्धोः शूर्यो जायत श्रोत्राद् वायश्च प्राणश्च मुखादग्ने रजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी
दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूरती, ओ तहरों में जिर धर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिर घर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिर धर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़।